गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग चुस्त दुरुस्त हो, तंदुरुस्त हो, मेंटली एंड फिजिकली फिट एंड फाइन। गाइस, मैं ठीक नहीं था, आई वॉज नॉट वेल। इनफैक्ट अभी मैं रिकवर कर रहा हूँ, आई एम रिकवरिंग। सो आई वॉज डाउन विथ वायरल फीवर, इसलिए मैं बीच में कुछ दिन क्लास नहीं ले पाया। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने ऑडियो रिविजन्स आपने अच्छे से देखे। यू हैव सीन दी ऑडियो रिविजन्स आपने अच्छे से सुने, बिकॉज बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं ऑडियो रिवीजन। मेरी बात याद रखना, ऑडिट का कोर्स इतना वॉल्यूमनस है, जैसे जैसे कोर्स बढ़ता जाता है, ये ऑडियो रिवीजन अगर आप बार बार लगातार अगर आप सुनते जाओगे, तभी आप लोग बहुत सेफ, सिक्योर और कंफर्टेबल फील करोगे एंड यू विल बी डूइंग गुड। ठीक है, और मैंने आपको बार बार बताया, फिर मैं एक बार आपको बता दूं कि आप लोग ये अपना टेलीग्राम पे ग्रुप है, इंटर ऑडिट रवि सर, वहां पर आपको एक स्पेशल टॉपिक दिखेगा ईओ का। तो ऑडियोज वहीं पे आते हैं, ईओ के इंस्ट्रक्शन। अगर जैसे बीच में भी क्लास नहीं थी तो क्लास नहीं हो रही है, ये भी अनाउंसमेंट में वहीं पे कर रहा था। तो बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए कि आप ये पर्टिकुलर टेलीग्राम जो ग्रुप है, जो रीसेंट अभी लेटेस्ट बैचेस है उसके लिए बना हुआ है, उसको ज्वाइन करना आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, आप इंटर ऑडिट रवि सर भी सर्च कर सकते हैं और आप वहां तक पहुंच जाएंगे। तो हम लोग बहुत प्यारा ऑडिट का इंट्रोडक्शन हम लोग देख चुके, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग का बेस हम लोग बहुत सॉलिड बना रहे हैं, काफी कुछ हम लोगों ने बना लिया है ऑलरेडी। ऑलरेडी हम लोग ऑडिट प्रोसेस को जानते हैं। ठीक है, पांच फेजेस में ऑडिट प्रोसेस होता है वो हम लोग जान चुके हैं, ये हम लोग देख चुके हैं। अगर पहले का लेक्चर किसी ने मिस किया होगा तो आप यहां से शुरुआत नहीं कर सकते हैं। आपके लिए जरूरी है कि आप पूरे लेक्चर्स आप करते हुए आए, आप यहां से बीच में से जुड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, फिर हम लोगों ने असर्शंस भी हम लोगों ने देख लिया है कि असर्शंस क्या होते हैं। तीन तरह का फाइनेंशियल डेटा होता है, ट्रांजैक्शन बैलेंसेस और डिस्क्लोजर, और आपके ट्रांजैक्शन बैलेंसेस और डिस्क्लोजर, और आपके तीनों जो ट्रांजैक्शन बैलेंस डिस्क्लोजर है उसके तीनों के असर्शंस होते हैं। ठीक है, तो काफी सारी चीजें हम लोग देखकर आए हैं, एंड एज आई सेड बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों का रेगुलर बेसिस पे ऑडियो रिविजन्स को सुनना। आप बिल्कुल बना लीजिए कि कम से कम दिन में, ठीक है, रोज आपको दो क्लास के ऑडियो रिविजन सुनने ही सुनने हैं। अब अगला टॉपिक हम लोग देख रहे हैं, सफिशियंसी ऑफ ऑडिट एविडेंस। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। देखिए, हम लोग देख चुके हैं, वी ऑलरेडी सीन कि सबूत हो तो कैसा हो, सबूत हो तो कैसा हो, तो सबूत सफिशियंट और अप्रोप्रिएट होना चाहिए। सफिशियंट मतलब होता है क्वांटिटी, और अप्रोप्रिएट मतलब होता है क्वालिटी। हम लोग इसका मतलब भी देख चुके थे, क्वांटिटी मतलब आपका सबूत सभी वैरायटी, सभी तरह के प्रोडक्ट्स कवर हो, सभी टाइम पीरियड कवर हो, सभी तरह के ब्रांचेस कवर्ड हो, अच्छा खासा कवरेज हो, सभी तरह की चीजें कवर्ड हो, अलग अलग टाइप के ऑडिट एविडेंस कवर्ड हो,
विजुअल, ओरल, डॉक्यूमेंट्री, अलग अलग डॉक्यूमेंट्स, तो उसको हम बोलते हैं अच्छे क्वांटिटी का एविडेंस है। ठीक है, जितनी ज्यादा चीजें रहेगी जितने उसको बोलते हैं अच्छी क्वांटिटी है। फिर उसके बाद में क्वालिटी, क्वालिटी मतलब दो चीजें होती है, रिलायबल होना, बहुत ही रिलायबल एविडेंस होना, बहुत ही भरोसेमंद एविडेंस होना, ठीक है, और प्लस रेलेवेंट काम का एविडेंस होना। जिस असर्शन में मुझे डाउट था, जिस असर्शन में मुझे रिस्क था, बराबर उसके लिए एविडेंस मिलना। एग्जिस्टेंस में मुझे डर लग रहा था, बराबर उसका एविडेंस मिला है तो रेलेवेंस। वैल्यूएशन में मुझे डर था, बराबर उसका एविडेंस मिला है तो रेलेवेंट। ठीक है, तो हम लोग देख चुके कि एविडेंस हो तो कैसा हो, सफिशियंट अप्रोप्रिएट। फिर सफिशियंट मतलब क्वांटिटी, अप्रोप्रिएट मतलब क्वालिटी, और क्वालिटी मतलब दो चीजें। ठीक है, क्वालिटी मतलब दो चीजें, रिलायबल एंड रेलेवेंट। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। और जो मैं एग्जांपल आपको दूंगा उससे चीजें आपके दिमाग में एकदम फिट बैठ जाएगी। तो आप एक बैंक ऑडिट को इमेजिन करिए, बैंक ऑडिट इमेजिन करिए। बैंक्स में सबसे बड़ा मैटर होता है, सबसे बड़ा एसेट होता है एडवांसेस, लोन्स गिवन। लोन्स गिवन को ही वो लोग एडवांसेस बोलते हैं, सबसे बड़ा मुद्दा होता है। तो आप एक ब्रांच में ऑडिट करने के लिए गए, सबसे बड़ा मुद्दा ही एडवांसेस है। तो आपने ऐसा सोचा था कि आप उस पर्टिकुलर ब्रांच के 300 लोन अकाउंट्स आप चेक करोगे, ऐसा आपने सोचा था। ठीक है, अब वहां गए तो खुद जो मैनेजर है, ब्रांच का मैनेजर आपके सामने उपस्थित है, वो खुद सभी सवालों के जवाब देने वाला है, आपको पूरी इंफॉर्मेशन देने वाला है, सारे एक्सप्लेनेशन देने वाला है, सारी बातें आपको बताने वाला है, जो पूछना चाहो वो बताएगा। जितने भी लोन फाइल हम चुनेंगे सबके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल अग्रीमेंट, ओरिजिनल सिक्योरिटी, सब कुछ ओरिजिनल आपको बताने वाले हैं। बोरोअर को बुलाकर आपसे मिलवाने वाले हैं, बोरोअर ने पैसे कहां लगाए वहां आपकी विजिट करवाने वाले हैं। जब से लोन दिया है तब से अब तक क्या किस तरह का रीपेमेंट है उसकी समरी देने वाले हैं। अमेजिंग, अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग, इतना हाई क्वालिटी एविडेंस है। इतना बड़ा बंदा हर चीज को बोलेगा, पेपर पे लिख कर देगा साइन स्टैम्प के साथ में, इतना हाई क्वालिटी एविडेंस, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, इतना हाई क्वालिटी एविडेंस, बोरोअर से मिलवाना है, इतना हाई क्वालिटी एविडेंस, सारे सिक्योरिटी जो है डॉक्यूमेंट्स, वो जाकर कहां पैसे लगाए वो भी बताएंगे। अमेजिंग, इतना ज्यादा हाई क्वालिटी एविडेंस है, इतना इतना अच्छा एविडेंस है, इतना हाई क्वालिटी एविडेंस है, हम खुश हो गए। ऐसे बोलता है कि अगर बहुत ही हाई क्वालिटी एविडेंस है, बहुत ज्यादा, अगर बहुत ही ज्यादा बहुत ही हाई क्वालिटी एविडेंस है, करेक्ट, तो ऐसे केस में इन दिस पर्टिकुलर केस, ध्यान सुनिएगा, अभी हम लोग क्वांटिटी को कम कर सकते हैं। इफ द क्वालिटी ऑफ एविडेंस इज वेरी गुड, इज वेरी हाई, वी कैन अफोर्ड, हम अफोर्ड कर टू रिड्यूस द क्वांटिटी। अब मैं सोच रहा हूं 300 की जगह सिर्फ मैं 200 ही चेक करूंगा, दैट्स इट, क्योंकि इतना हाई क्वालिटी एविडेंस है, इतना अश्योरेंस मिल रहा है, दिल खुश हो गया मेरा। लेकिन लेकिन अगर ऐसा हो कि मैनेजर हमको, अगर हमको ऐसा पता चले, हमको सिर्फ और सिर्फ जितना भी हम सिलेक्शन करेंगे बस लोन स्टेटमेंट होता है वही मिलेगा, वही मिलेगा लोन स्टेटमेंट बिना सिग्नेचर साइन स्टैंप के, और आपको लोन अग्रीमेंट की जेरोक्स कॉपीज, बस दो चीजें मिलने वाली है, वो भी बिना साइन स्टैंप के, बस इतना ही मिलने वाला है। और सामने वाला बोलता है कि मैं आपको, आप 300 मांग रहे हो, 600 लोन का दे दूंगा।
पॉइंट इज कि अगर सामने वाला बोले कि मैं क्वालिटी एविडेंस की जगह, हाई क्वालिटी एविडेंस की जगह पुअर क्वालिटी एविडेंस दूंगा, लेकिन मैं क्वांटिटी को डबल कर दूंगा, क्वांटिटी को मैं डबल कर दूंगा, मतलब मैं 300 की जगह 600 लोन का लोन स्टेटमेंट और 600 लोन के लोन अग्रीमेंट की जेरोक्स आपको देने को तैयार हूं। पॉइंट इज, अभी हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि जैसे क्वालिटी बढ़ जाती है वी कैन अफोर्ड टू रिड्यूस क्वांटिटी, लेकिन उल्टा कर सकते हैं क्या कि हम क्वांटिटी को बढ़ा दें, कैन वी अफोर्ड टू रिड्यूस क्वालिटी? आंसर इज नो। ऐसे बोलता है घटिया डॉक्यूमेंट्स के, अनरिलायबल डॉक्यूमेंट्स के, फोटोकॉपीज, जेरोक्स, आप पायली के 50,000 जितने भी हजारों भी ले लोगे लेकिन उनमें दम नहीं है, रिलायबिलिटी नहीं है, तो ऐसे चीज को चेक करके क्या मतलब है? बहुत प्यारा है, एमसीक्यूज, ट्रू फॉल्स और क्वेश्चन में पूछेंगे। ये आपको बताना है कि अगर क्वालिटी ऑफ एविडेंस इंप्रूव होती है तो हम क्वांटिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, बट सिर्फ क्वांटिटी इंप्रूव होती है, ठीक है, ओनली वी हैव क्वांटिटी, वी के नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी, हम क्वालिटी के साथ में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। जस्ट मिनट गाइस, हो सकता है मैं आपको ना दिखू, बिल्कुल चिंता ना करें, इट विल ऑटोमेटिकली आपको मैं दिखने लगूंगा, मिस्टर इंडिया हो गया हो ऐसा आप लोगों को लगेगा, डोंट वरी अबाउट इट। ओके ओके, तो इस बात का आप ख्याल रखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग सफिशिएंसी, एज अ ऑडिटर हमको तय करना पड़ता है कि कौन से एरिया में हम लोगों ने ऑडिट एविडेंस को ज्यादा इकट्ठा करना, सफिशियंट क्वांटिटी, और कौन से एरिया में कम करना। तो कैसे तय करूंगा, मेरे सामने 50 एरिया है और टीम मुझे पूछ रही है कि कहां पे एविडेंस ज्यादा इकट्ठा करे, कहां पे कम इकट्ठा करे, कहां पे ज्यादा वाउचर ले। तो जैसे प्रैक्टिकल लाइफ में शॉपिंग पे जाते हैं तो क्वांटिटी डिपेंड करती है एमआरपी पे, क्वांटिटी डिपेंड करती है एमआरपी पे, मैक्सिमम रिटेल प्राइस पे, ठीक है। यहां पर भी क्वांटिटी ऑफ एविडेंस डिपेंड करता है एमआरपी पे, इट डिपेंड्स ऑन एमआरपी, MRP, ठीक है। मटेरियलिटी, जो पर्टिकुलर फाइनेंशियल आइटम जितना ज्यादा मटेरियल होगा, मटेरियल होना मतलब जितना ज्यादा अमाउंट में बड़ा होगा, सिग्निफिकेंट होगा, इंपॉर्टेंट होगा, उसका क्वांटिटी ऑफ एविडेंस हमने ज्यादा लेना चाहिए। डायरेक्ट रिलेशनशिप, जो आइटम जितना ज्यादा मटेरियल होगा उसका उतना ज्यादा ऑडिट एविडेंस हम इकट्ठा करेंगे, जितना कम मटेरियल होगा उतना कम एविडेंस इकट्ठा करेंगे। कॉमन सेंस, रिस्क, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, जिस आइटम के अंदर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा है, जहां पे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा होगा हम ज्यादा एविडेंस इकट्ठा करेंगे, जहां पे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट लो होगा वहां पे कम एविडेंस इकट्ठा करेंगे। कॉमन सेंस, पी स्टैंड फॉर पॉपुलेशन, ऑल द यूनिट्स टेकन टुगेदर, उसको बोलते पॉपुलेशन। अगर सेल्स के ट्रांजैक्शन ज्यादा होंगे तो उसका ज्यादा एविडेंस इकट्ठा करेंगे, परचेज के ट्रांजैक्शन कम होंगे तो उसका कम एविडेंस हम इकट्ठा करेंगे। जितनी पॉपुलेशन बड़ी होगी उतना हम लोग, जितनी पॉपुलेशन उतना क्वांटम ऑफ एविडेंस, क्वांटम ऑफ एविडेंस हम लोग ज्यादा रखेंगे, ठीक है। फिर हम नेचर की बात करते हैं, इफ यू टॉक अबाउट नेचर, आपके जो पॉपुलेशन के आइटम्स है दो तरह के हो सकते हैं, आपके जो पॉपुलेशन के आइटम्स है दो तरह के हो सकते हैं, होमोजेनियस नेचर के, आपके होमोजेनियस नेचर के भी आइटम हो सकते हैं और हेट्रोजेनियस भी हो सकते हैं। अगर एक जगह सिमिलर हो, अगर एक जगह सिमिलर हो तो उसको होमोजेनियस बोलते हैं, ठीक है। एक जैसे मतलब सेल है, जैसे थाली रेस्टोरेंट है, थाली रेस्टोरेंट में सारे के सारे आपका जो थाली ही बेच रहे भाई, तो सारे सेल एक जैसे होंगे, होमोजेनियस। हेट्रोजेनियस है, 5-स्टार होटल है, लंबा चौड़ा मेन्यू है, जो चाहे वो ऑर्डर करिए, तो वहां पे अलग 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 लोग भी अलग अलग है, शौकीन है,
अलग अलग ऑर्डर दे रहे हैं, हेटरोजीनियस है। अगर होमोजीनियस होंगे तो बस कुछ ही सिलेक्ट करो, सब एक जैसे, ज्यादा सिलेक्ट करके मतलब नहीं है। तो आप लेस एविडेंस, आप लेस चीजें कवर करते हो, आप आपको जस्ट मिनट गाइस, तो होमोजीनियस है तो कम हेट्रोजेनियस है। अगर हेट्रोजेनियस होंगे, अगर हेट्रोजेनियस होंगे तो फिर हम चाहते सभी वैरायटी की चीजें कवर हो, तो क्वांटिटी ज्यादा रखेंगे। तो बहुत कॉमन सेंस, बहुत ही सिंपल, बहुत आसान है, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग सफिशिएंसी एमआरपी, जो आइटम जितना ज्यादा मटेरियल है उतना ज्यादा ऑडिट एविडेंस इकट्ठा करिए, जहां पे जितनी ज्यादा रिस्क है उतना ज्यादा ऑडिट एविडेंस इकट्ठा करिए, जहां पे पॉपुलेशन जितनी ज्यादा बड़ी होगी उतना ज्यादा ऑडिट एविडेंस इकट्ठा करिए। अगर पॉपुलेशन में और है, अगर होमोजीनियस होगी तो ज्यादा सिलेक्ट करके मतलब नहीं है, लेस क्वांटिटी रखिए। हेट्रोजीनियस होगी तो हमको पूरी वैरायटी कवर करनी है, आपने क्वांटिटी को बढ़ाना चाहिए। तो आप पहले बता दीजिए, मतलब अगर आपको इसमें शॉर्ट नोट लिखना है तो आप सफिशियंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस के बारे में बताएंगे, फिर आप ये जो रिलेशनशिप है क्वांटिटी और क्वालिटी में ये आप बताएंगे, और फिर उसके बाद ठीक है, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको आंसर कैसे लिखना वो भी बताया था, बहुत प्यारा, बहुत इंपॉर्टेंट था, वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें अच्छा खास समय हमने इन्वेस्ट किया था। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने उसको अच्छे से समझा होगा, देखा होगा। और फिर यहां पे जो फैक्टर्स है, अब फैक्टर्स के बारे में 99.99% जितना आपने चार्ट्स में दिया है उसको आप बढ़िया लाइन बाय लाइन बाय लाइन बाय लाइन आप समझा दीजिए, इट इज मोर देन सफिशिएंट। इससे ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बड़ी प्यारी सी अंडरस्टैंडिंग, पॉइंट्स का रिटेंशन, और फिर अपनी लैंग्वेज में लिखना। बहुत लवली ग्राउंड बेसिक से हम काम करते जा रहे हैं, जबरदस्त कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में आपको देते जा रहा हूं, वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, उसके बाद में एक बार कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो जाए उसके बाद में पॉइंट्स का रिटेंशन, और फिर आपके ओन लैंग्वेज में। ऑब्वियसली जब इतना डिस्कशन करते हैं तो सारे टेक्निकल वर्ड्स बार बार आते हैं, आपके डिस्कशन में आपके अंडरस्टैंडिंग में टेक्निकल वर्ड्स आ ही जाएंगे। जो चार्ट्स के अंदर जितनी लैंग्वेज जैसी यूज की है वैसा आप यूज कर लो, इट इज मोर देन सफिशियंट, ठीक है। यहां पे लेकिन मैं आपको बताऊं कि कैसे वो लोग, ठीक है, आप जो आपके एमआरपी पॉइंट्स है पहले उसको आप डिफाइन कर लीजिए। मटेरियलिटी मतलब क्या, कोई पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन बैलेंस डिस्क्लोजर कितना इंपॉर्टेंट है, कितना सिग्निफिकेंट है, ठीक है, यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए, वो उसकी मटेरियलिटी ऑफ द आइटम है, मटेरियलिटी ऑफ द आइटम। फिर उसी को देखो कैसे एक्सप्लेन करते हैं, लेस एविडेंस वुड बी रिक्वायर्ड इन केस ऑफ असर्शंस आर लेस मटेरियल, बट ऑन द अदर हैंड इफ असर्शंस आर मोर मटेरियल टू द यूज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मोर एविडेंस वुड बी रिक्वायर्ड। मैंने आपको असर्शन वर्ड का मतलब बताया था, ब्रॉड मतलब है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जितनी भी जानकारी दी है वो सब कुछ असर्शन है, ब्रॉड। और फिर मैंने आपको बताया था स्पेसिफिक मतलब कि तीन तरह के आइटम्स होते हैं, ट्रांजैक्शन बैलेंस डिस्क्लोजर, ट्रांजैक्शन के असर्शंस, बैलेंसेस के असर्शंस, डिस्क्लोजर के असर्शंस। अगर आपको याद आ रहा है लैंड बिल्डिंग 100 करोड़ का है, ठीक है, इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली वो बोल रहे हैं रियल है, एग्जिस्टेंस कुछ छूटा नहीं है, कंप्लीटनेस, अमाउंट सही है, वैल्यूएशन हम ही उसके मालिक है, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। फिर अगर हम बात करते हैं, देन इफ यू टॉक अबाउट आपका हमने देखा था ट्रांजैक्शन में सेल्स 1000 करोड़ का है, असली है, ऑकरेंस छूटा नहीं है कुछ भी, कंप्लीटनेस, अमाउंट सही है, एक्यूरेसी, दो स्पेशल थे, क्लासिफिकेशन कैपिटल वर्सेज रेवेन्यू सही है, कट ऑफ क्योंकि ट्रांजैक्शन कंटिन्यूस होते, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली बोल रहा है मैनेजमेंट कि इस साल का अगले साल नहीं है, अगले साल का इस साल नहीं है। यहां पे असर्शन का मतलब है सिंपली फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो फाइनेंशियल इंपॉर्टेंट जितनी ज्यादा मटेरियल होगी, मतलब मैं क्यों आपको बता रहा हूं, आप यहां पे हम लोगों ने चार्ट में सिर्फ डायरेक्ट रिलेशनशिप लिखा है, लेकिन आपको जब लिखेंगे आप
तो यहां पे क्या लिखना है आपको, पहले आपको डिफाइन करना है एक एक फैक्टर को कि उसका मतलब क्या है, डिफाइन करना है, और फिर आपको रिलेशनशिप समझाना है बोथ वेज। सर बोथ वेज मतलब अगर मटेरियल होगा तो ज्यादा एविडेंस, लेस मटेरियल होगा तो लेस एविडेंस। ठीक है ठीक है ठीक है, यानी बस आंसर का लेंथ बड़ा करना है, मॉड्यूल ने भी वैसे ही एक्सप्लेन किया है, तो बस मैंने आपको बता दिया। यहां पे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट के दो कंपोनेंट होते हैं, इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क। इसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, विल स्टडी इट लेटर। कुछ चीजों को धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, आगे आगे जब इसका समय आएगा तब हम लोग, इसलिए इसको होल्ड करके रखा हुआ है, लेटर करके लिखा हुआ है, बाद में इसको देखेंगे। आप लोग भी वैसा लिख लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। आइए फिर अप्रोप्रिएटनेस ऑफ ऑड एविडेंस के बारे में। एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है, हमारे मॉड्यूल में दिया हुआ है। अप्रोप्रिएटनेस ऑफ ऑड एविडेंस के बारे में बताइए, ठीक है। जब हम बात करते हैं अप्रोप्रिएटनेस ऑफ ऑडिट एविडेंस के बारे में, ठीक है, तो आप अलग से कोई आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम ऑलरेडी सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट के ऊपर शॉर्ट नोट देख कर है। अगर आपको याद आ रहा है सफिशिएंट अप्रोप्रिएट, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट मतलब क्या, ऐसे 200 बोलता है कि अगर आपको ओपिनियन देना है विथ हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, रीजनेबल अश्योरेंस से आपको ओपिनियन देना है, यूनिट सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस। ऐसे 330 बोलता है ऑडिट प्रोसीजर ऐसी तय करो कि सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस हो। ऐसे 500 भी वही बोलता है, कॉपी पेस्ट वही चार्ट फॉलो करना है। देखो इसलिए लिखा है मैंने सेम एज ऐसे 500.120, कोई अलग से कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं, बिंदास। ऑडिट में ऐसा होगा, सपोज दो कॉन्सेप्ट है, एक में 6 पॉइंट है, एक में 6 पॉइंट है और एक में 4 पॉइंट है, ठीक है, बिल्कुल से होता है, क्योंकि बहुत जगह फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स बहुत जगह फैक्टर्स होंगे, तो ऐसे केस में एकदम सिमिलर है, सेम है। मैं बोलूंगा 6 वाला याद रख लो, दोनों जगह पे वही लिख दो, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, जनरली स्पीकिंग कोई प्रॉब्लम जाता नहीं है, दोनों जगह सेम एप्लीकेबल हो जाता है, बिल्कुल। ये स्ट्रेटजीज हमको यूज करनी पड़ेगी। देखो वॉल्यूम मैनेजमेंट है बच्चों, वॉल्यूम को अच्छे से मैनेज करना है। जैसे ऐसी मैं आपको एक बताता हूं, आपका मटेरियलिटी, ठीक है, मटेरियलिटी ऑफ द आइटम, नेचर मटेरियलिटी, MNRC ऐसी बोल रहा अभी, MNRC, ठीक है, मटेरियलिटी ऑफ द आइटम, फिर नेचर ऑफ द आइटम, रिस्क और कंट्रोल, सी फॉर कंट्रोल्स, इतने कॉमन है, कभी कुछ याद नहीं आया ना, MNRC, मटेरियलिटी के बारे में सोचकर चलो, नेचर कॉम्प्लेक्स है क्या, नया है क्या, कैसा है उसके बारे में सोच के चलो, रिस्क के बारे में सोच के चलो, कंट्रोल्स, सिस्टम कितना स्ट्रांग है उसके बारे में सोच के चलो, ये चार बातें MNRC, ये चार बातें आपको कहीं बहुत जगह रिपीट होती है बार बार, ठीक है। आई नाउ देखो, अगर आप समझ रहे हो एग्जाम का स्ट्रक्चरिंग कैसे हुआ है, बड़े प्यार से, ठीक है, बेस बनाने के बाद हम लोग जब आगे बढ़े, पहले ऑडिट एविडेंस का मतलब समझा, दो तरह के रिकॉर्ड होते वो समझा, टाइप समझे, उसको एक उसको कलेक्ट करने के लिए ऑडिट प्रोसीजर देखे, मेथड ऑफ कलेक्टिंग ऑडिट एविडेंस देखा, इंक्वायरी में और अंदर गए, इंस्पेक्शन में अंदर गए। अब हमारा डिस्कशन जो है सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस पे, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट मतलब क्या वो समझा, ठीक है, हम लोगों ने क्वांटिटी पे डिस्कशन कर लिया सफिशिएंट। अब हम लोग अप्रोप्रिएटनेस में दो चीजें आती है, अप्रोप्रिएट मतलब रिलायबल और रेलेवेंट, उस पर बात कर रहे हैं, तो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट को लेकर और उसके अंदर की बातों को लेकर डिस्कशन चल रहा है, ठीक है। आइए फैक्टर्स अफेक्टिंग रिलायबिलिटी, एज अ ऑडिटर कैसे हम लोग बोलेंगे कि एविडेंस ए ज्यादा रिलायबल है कि एविडेंस बी ज्यादा रिलायबल है, कौन से एविडेंस को लेने के लिए मेहनत करनी चाहिए,
किस पे एफर्ट्स लगाने चाहिए, ए बी सी या डी, क्योंकि एक ही चीज को चेक करने के कई तरीके हो सकते हैं। हाँ, डेटर को चेक करना है, लेजर से, डेटर का अपना डेटर है, बैलेंस शीट में डेटर है, लेजर से मैच करो, ये एक तरीका है। डेटर को चेक करने के लिए लेजर से मैच करो, ये एक तरीका है। डेटर्स को बोलो हमको एक्सटर्नल कंफर्मेशन देंगे, लिख कर देंगे तुम्हारे बुक्स में कितना बैलेंस है, वो एक तरीका है। साल खत्म होने के बाद ऑडिट कोई इमीडिएटली तो होता नहीं है, ठीक है, मार्च में साल खत्म होता है, आपके अकाउंटिंग और ऑडिटिंग चलती रहती है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, सपोज अगस्त में खत्म हो रहा है, 5 महीने में कितनी रिकवरी हुई है डेटर की वो देखो, उसको बोलते सबसीक्वेंट रिकवरी। अगर आपको ऐसा दिख रहा है जितने भी डेटर थे 99% पैसे मिल चुके हैं, तो ये प्रूफ करता है कि डेटर असली थे, डेटर का वैल्यू सही था, उसको बोलते सबसिक्वेंट रिकवरी। सबसिक्वेंट रिकवरी चेक करने का भी तरीका है, डेटर को पिछले सालों से भी कंपेयर कर सकते, वो भी एक तरीका है, डेटर टर्नओवर रेशियो निकाल सकते, वो भी एक तरीका है। अब सवाल उठता है कैसे कैसे हम तय करें कि कौन सा एविडेंस ज्यादा रिलायबल है, विच एविडेंस इज मोर रिलायबल एज कंपेयर टू अदर एविडेंस। आइए, बहुत सिंपल सिंपल से फैक्टर्स है, बहुत सिंपल सिंपल से फैक्टर्स है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रिलायबिलिटी। कैसे तय करना कि एविडेंस रिलायबल है कि नहीं, तो आप सोचिए एक्सटर्नल कंफर्मेशन के बारे में, ये शॉर्टकट है, ठीक है। एक्सटर्नल कंफर्मेशन बाहर से आता है, जैसे डेटर, ये अपने डायग्राम में ये डेटर है, डेटर ऑडिटर को एक्सटर्नल कंफर्मेशन भेज रहा है कि भाई मेरे बुक्स में 50 लाख का बैलेंस है, मेरे बुक्स में 50 लाख का बैलेंस है, ठीक है। अब ये जो एक्सटर्नल कंफर्मेशन ऑडिटर को आया है, एक लेटर आया है कि मेरे बुक्स में 50 लाख का बैलेंस है, एक्सटर्नल कंफर्मेशन इज वन ऑफ द मोस्ट मोस्ट रिलायबल एविडेंसेस, वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल एविडेंसेस, इसलिए उसके बारे में सोचिए, आपको अपने आप समझ में आएगा कि एक रिलायबल एविडेंस के फीचर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो एक्सटर्नल कंफर्मेशन कहां से आ रहा है, बाहर से आ रहा है। जनरली स्पीकिंग एविडेंस विच इज कमिंग फ्रॉम इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल सोर्स, आउटसाइड सोर्स, जो भी एविडेंस एक्सटर्नल सोर्स से आता है और इंडिपेंडेंट पार्टी है, मतलब वो कहीं पर भी क्लाइंट से कनेक्टेड नहीं है, जुड़ी हुई नहीं है, क्लाइंट पर डिपेंडेंट नहीं है, जैसे कि सब्सिडरी या एसोसिएट एक्सेट्रा, तो वो एविडेंस ज्यादा रिलायबल है। अगर आप देखेंगे तो एक्सटर्नल कंफर्मेशन बाहर से आता है, करेक्ट, तो वहां से एक फैक्टर आपके दिमाग में आता है, जो एविडेंस एक्सटर्नल सोर्स से आएगा और अगर इंडिपेंडेंट पार्टी है, कोई क्लोज कनेक्शन नहीं है, तो वो एविडेंस ज्यादा रिलायबल होता है एज कंपेयर टू वो एविडेंस जो इंटरनल सोर्स से आता है, जनरली स्पीकिंग, ठीक है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, जनरली स्पीकिंग। फिर उसके बाद में अगर आप देखोगे तो एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिटर्न फॉर्म में है, रिटर्न, तो फॉर्म जो एविडेंस रिटर्न फॉर्म में होता है, रिटर्न में होता है, वो हमेशा ज्यादा रिलायबल होता है एज कंपेयर टू एविडेंस जो ओरल फॉर्म में रहता है। और एक हमको फैक्टर मिल गया रिलायबिलिटी का। फिर ये जो एक्सटर्नल कंफर्मेशन आ रहा है, ये एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, नेचर, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इज ऑलवेज, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इज ऑलवेज मोर रिलायबल देन द फोटोकॉपी या फिर फैक्स, फैसिमिल्स, फैक्स एक ही बात है, या फिर डिजिटल कॉपी, डिजिटाइज फिल्म्ड कॉपीज, उनसे ज्यादा रिलायबल होता है हमेशा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। फिर डायरेक्टली ऑडिटर को मिल रहा है एविडेंस विच इज
ऑब्टेंड डायरेक्टली बाय द ऑडिटर, जो एविडेंस ऑडिटर को डायरेक्टली मिलता है या फिर ऑडिटर डायरेक्टली सिलेक्ट करता है, ठीक है, जिसमें क्लाइंट बीच में नहीं आता है, वो एविडेंस ज्यादा रिलायबल होता है एज कंपेयर टू एविडेंस विच इज कमिंग थ्रू द क्लाइंट। देखो चार मिल गए हमको, थोड़ा सा इमेजिन करिए, बाहर से आ रहा है, अगर सोर्स एक्सटर्नल इंडिपेंडेंट पार्टी है, राइटिंग में फॉर्म, रिटर्न फॉर्म में है, नेचर ओरिजिनल है एज कंपेयर टू जेरोक्स फोटोकॉपी, ठीक है, किसको मिला है डायरेक्टली, ऑडिटर को डायरेक्टली मिला हुआ है, तो वो एविडेंस, दैट एविडेंस इज मच मोर रिलायबल, दैट एविडेंस इज मच मोर रिलायबल एज कंपेयर टू अदर ऑडिट एविडेंस। ऐसे चार गुण किसी एविडेंस में मिल जाए तो चार चांद लग जाए, ठीक है, एज द मोस्ट रिलायबल ऑडिट एविडेंसेस। नाउ इज मोर रिलायबल, फिर कंपनी के अंदर जो डॉक्यूमेंट बनते हैं दैट इज इंटरनल सोर्स ऑफ ऑडिट एविडेंस, क्या वो भी कभी कभी रिलायबल हो सकते हैं? ऑफ कोर्स हो सकते हैं, अगर उनको बनाने का जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है अगर वो बहुत स्ट्रांग है तो वो भी बहुत रिलायबल हो सकते हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है, सपोज आपको मंथली सैलरी रिपोर्ट है कि इतने इतने एम्प्लॉयज है, कितनी कितनी सैलरी है, सैलरी रिपोर्ट आपको मिली, आपने देखा भाई एक सैलरी डिपार्टमेंट है, उनका हेड एक बंदा है जिसको 20 साल का एक्सपीरियंस है, उसके अंडर 6 लोग हैं, उसके अंडर 6 लोग हैं और 6 लोग हैं, और ये जो 6 लोग हैं, ठीक है, ये भी 5 5 साल एक्सपीरियंस वाले, वाह क्या लीडर है, क्या लीडर है, क्या टीम है, दिल खुश कर दिया। फिर इनके पास में डेटा मेंटेन करने के लिए, सैलरी प्रोसेस करने के लिए 50 लाख का सॉफ्टवेयर है, क्या बात है, फिर इनके पास में काम करने का एकदम स्ट्रीमलाइन प्रोसीजर है, मंथली, एकदम मंथली स्ट्रीमलाइन प्रोसीजर है, वाओ बहुत बढ़िया लोग है, बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर है, बहुत बढ़िया प्रोसीजर है, ठीक है, बहुत बढ़िया सुपरविजन है, और ऐसे डिपार्टमेंट से निकली हुई रिपोर्ट है विथ सिग्नेचर एंड स्टैम्प, करेक्ट, तो क्या वो भरोसेमंद होगी? ऑफ कोर्स होगी। इंटरनल डॉक्यूमेंट्स भी रिलायबल माने जाते हैं अगर वो डॉक्यूमेंट्स को बनाने के लिए जो स्टेप्स यूज किए जा रहे हैं, जो सिस्टम यूज किया जा रहा है, इफ इट इज रियली वेरी गुड, ये बहुत अच्छा है जो इंश्योर करता है कि डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है, एक्यूरेट है, तो डेफिनेटली वो काफी रिलायबल माने जाते हैं। तो आप पहले समझाएंगे, जनरली स्पीकिंग चार फैक्टर्स है, जनरली स्पीकिंग चार फैक्टर्स है, चार फैक्टर्स जहां पे मिले वो एविडेंस रिलायबल होता है, और कंपनी के अंदर से मिलने वाला जो एविडेंस है वो भी रिलायबल हो सकता है, अंदर से मिलने वाला जो एविडेंस है वो भी रिलायबल हो सकता है, लेकिन शर्त है, ठीक है, कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, ठीक है, स्ट्रॉन्ग लिखोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आइए अभी रेलेवेंस ऑफ ऑडिट एविडेंस समझना है, सबूत हो तो कैसा हो, रेलेवेंट हो, ठीक है, ओके, आइए नाउ, तो गाइस फटाफट फटाफट अपने नोट से मार्किंग करते जाइए, हम लोग आप लोग मैं आप लोगों के साथ में जूम सेशन भी रखूंगा, आपके मन में सवाल आते हो बहुत सारे, कभी भी बाद में भी, तो आप मुझसे वो जूम सेशंस में भी बात कर सकते हैं, ठीक है, आइए नाउ, रेलेवेंस ऑफ ऑडिट एविडेंस। कोई बच्चा मुझसे ऐसे 500 का डाउट पूछ रहा है और मैं उसको ऐसे 300 समझा रहा हूं, बोलेगा सर ये तो आप
इररिलेवेंट आंसर दे रहे हो, आप रिलेवेंट जवाब नहीं दे रहे हो, ठीक है, इजंट इट? बिल्कुल सही, बस वही है रिलेवेंस। उस एविडेंस को, वो एविडेंस को रिलेवेंट माना जाता है जो पर्पस कवर करे, ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म करने का पर्पस कवर करे। इसी का मतलब जिस असर्शन में रिस्क है बराबर वो असर्शन कवर करे, एग्जिस्टेंस में रिस्क थी बराबर एविडेंस एग्जिस्टेंस को कवर कर रहा है, अगर वैल्यूएशन में रिस्क थी बराबर वैल्यूएशन को कवर कर रहा है, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन में रिस्क थी बराबर राइट्स एंड ऑब्लिगेशन को कवर कर रहा है, सही सही असर्शन को कवर कर रहा है, उसको हम बोलते हैं रिलेवेंट ऑडिट एविडेंस। जैसे लैंड एंड बिल्डिंग के एग्जिस्टेंस में अगर रिस्क है तो उसको जाकर देखना पड़ेगा, उस लैंड बिल्डिंग को जाकर इंस्पेक्ट करना पड़ेगा, फिजिकल वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, फिजिकल वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, तो आपको एग्जिस्टेंस का एविडेंस मिलेगा, ठीक है। आपको अगर उसके ओनरशिप में डाउट है तो आपको प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्शन करना पड़ेगा, तो आपको रिलेवेंट एविडेंस मिलेगा। अगर आपको वैल्यूएशन में डाउट है तो आपको कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन रिकैलकुलेट करके देखना पड़ेगा, तो आपको रिलेवेंट ऑडिट एविडेंस मिलेगा, ठीक है। अब तो आप सिंपल बताइए, वो एविडेंस जो पर्पस को कवर करे उसी को बोलते हैं, वो एविडेंस जो असर्शन लेवल रिस्क, जिस असर्शन में प्रॉब्लम है वो असर्शन को कवर करे, ठीक है, तो उस एविडेंस को हम लोग बड़ा काम का बड़ा प्यारा एविडेंस मानेंगे, उसको हम लोग रिलेवेंट ऑडिट एविडेंस मानेंगे, ठीक है। अब एग्जांपल्स की बात करते हैं, और ये पूरे एग्जांपल जितनी भी चीजें चार्ट में है, ये सारी चीजें जितनी चीजें चार्ट में, ये सब मॉड्यूल्स है, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग बात दी है, और जो बात यहां पर हम पढ़ने वाले हैं ये आगे दो तीन बार रिपीट होने वाला है, मतलब पढ़ेंगे अभी एक बार, इसलिए हमको जब भी हम पहला ऐसे पढ़ते हैं, पहला ऐसे पढ़ने में हमको समय लगता है और उसके बाद में स्पीड बढ़ती है, ठीक है, इसलिए यहां पे तो हमारा, और जो पहला चैप्टर में आपको बता रहा हूं ये सबसे ज्यादा टाइम लेने वाला है, इट इज गोइंग टू टेक द मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। लेट्स सी गाइस, आइए थोड़ा सा मैं आपको बता दूं रेलेवेंट ऑडिट एविडेंस के बारे में, ठीक है। सपोज ये आपका अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है, इससे आपकी इन्वेंट्री लिस्ट, ये आपका अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, ये आपकी इन्वेंट्री लिस्ट है, प्रोडक्ट एबीसीडी जो भी लिखे है उसकी क्वांटिटी, और यहां पे आपका गोडाउन है, जहां जब मैं टिक मारा उस पर बस दो चीजें, एक आपकी इन्वेंट्री की लिस्ट है, ठीक है, एक आपकी इन्वेंट्री की लिस्ट है और दूसरी तरफ आपका गोडाउन है। अब तो एक तरफ आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है, इन्वेंट्री के रिकॉर्ड्स है, और एक तरफ आपके गोडाउन है जहां से आप इन्वेंट्री को चेक कर सकते हैं, मतलब ऑडिट एविडेंस है। अब ध्यान दीजिए, दो सिचुएशन आ सकती है, दो टाइप की रिस्क हो सकती है। रिस्क नंबर एक, आपको एग्जिस्टेंस में डाउट है, मतलब क्या हुआ, बहुत सिंपल, ये इन्वेंट्री की लिस्ट है, मुझे ये डाउट है कि इस लिस्ट के अंदर जो कुछ इन्वेंट्री है वो नकली इन्वेंट्री है, फेक इन्वेंट्री है, ये डाउट है, मतलब मुझे डाउट है एग्जिस्टेंस में, मुझे डाउट है एग्जिस्टेंस में कि भाई ये जो मुझे डाउट है एग्जिस्टेंस में, मतलब कि ये जो इन्वेंट्री है वेदर इट एग्जिस्ट्स और नॉट, ये रियल इन्वेंट्री है कि नहीं, ये जो इन्वेंट्री है ये रियल इन्वेंट्री है कि नहीं, ये एग्जिस्ट करती कि नहीं, ये मुझे डाउट है। तो मैं क्या करूंगा, बहुत सिंपल, मैं लिस्ट में से 50 इन्वेंट्री के आइटम चुनूंगा, 50 इन्वेंट्री के, और जो मैंने चुना सैंपल चुनूंगा
और मैं जाकर गोडाउन में देखूंगा, गोडाउन वाले को बताऊंगा मुझे बताए 50 आइटम कहां पे, 50 आइटम कहां पे, वो मुझे बताएगा 50 आइटम कहां पे, ठीक है, वो 50 आइटम कहां पे। अगर 50 आइटम मिल जाए, दिख जाए, तो मेरे मन में विश्वास पैदा होगा, मेरे मन में विश्वास पैदा होगा, कॉन्फिडेंस पैदा होगा, उसी को बोलते हैं अश्योरेंस मिलना, मैं अश्योर हो जाऊंगा इन्वेंट्री, अगर दिख गए कि इन्वेंट्री असली है, आई विल गेट अश्योरेंस दैट इन्वेंट्री एग्जिस्ट, एग्जिस्टेंस के लिए सबूत मिल गया मुझे, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ टेस्टिंग बोलते हैं इसको सर, डायरेक्शन ऑफ टेस्टिंग मतलब मैंने लिस्ट में से सैंपल को चुना और मैंने एविडेंस जो था गोडाउन में, गोडाउन में जाके चीजों को देखा। सो डायरेक्शन ऑफ टेस्टिंग इज अकाउंटिंग रिकॉर्ड टू ऑडिट एविडेंस। जब भी हमको एग्जिस्टेंस चेक करना होता है, हम रैंडमली अकाउंटिंग रिकॉर्ड से कुछ सैंपल को चुनते हैं और उसको एविडेंस से मैच करते हैं। लेकिन अगर रिस्क दूसरी हुई, अगर रिस्क दूसरी हुई, अगर रिस्क है कंप्लीटनेस में, अगर मुझे ये डाउट है कि ये जो लिस्ट है इसमें कुछ चीजें आई नहीं है, मिसिंग है, सम थिंग्स आर मिसिंग, इसमें से कुछ मिसिंग है, मतलब इसमें कुछ मिसिंग है, मतलब यहां पे जितनी चीजें हैं वो तो ठीक है लेकिन कुछ चीजें मिस हो गई, छूट गई है। अच्छा, आपको ये डर है कुछ इन्वेंट्री छूट गई है, मिस हो गई है, मतलब आपको ये डर लग रहा है कि ये लिस्ट इनकम्प्लीट है, आपको डर है कंप्लीटनेस में, लिस्ट इनकम्प्लीट है आपको ऐसा लग रहा है, जो दिख रहा है उसमें डर नहीं है, कुछ गायब हो गया, कुछ मिस हो गया, उसमें डर है। तो आप क्या करोगे, ठीक है, रैंडमली गोडाउन में से 50 इन्वेंटरी आइटम सिलेक्ट करो और फिर मैनेजमेंट को बोलो बता लिस्ट में कहां है। रैंडमली 50 आइटम सिलेक्ट किए और लिस्ट में हमने चेक किया, लिस्ट में कहां है, अगर लिस्ट में मिल गए, वाह, लिस्ट में मिल गए मतलब चीजें सही है, लिस्ट में आपको चीजें दिख रही है, लिस्ट में आपको चीजें दिख रही है, मतलब लिस्ट कंप्लीट है, दिल खुश कर दिया। अब देखो मैंने क्या किया, अब मैंने गोडाउन को, गोडाउन में से सैंपल चुना, ठीक है, और फिर लिस्ट से मैच किया। डायरेक्शन ऑफ टेस्टिंग क्या हुआ, शुरुआत की एविडेंस से वहां से मैंने चीजों को चुना और फिर अकाउंटिंग रिकॉर्ड से मैच किया। आई होप आपके दिमाग में एब्सोल्यूट क्लैरिटी है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मुझे एग्जिस्टेंस चेक करना है तो मैं अकाउंटिंग रिकॉर्ड को बेस बनाता हूं, सैंपल चुनता हूं और अकाउंटिंग रिकॉर्ड टू ऑडिट एविडेंस जाता हूं। कॉमन सेंस है ना, अकाउंटिंग रिकॉर्ड में चुना और देखता हूं एविडेंस से मैच हुआ कि नहीं, तो एग्जिस्टेंस चेक हो गया। अगर मुझे कंप्लीटनेस में डाउट है तो मैं रैंडमली ऑडिट एविडेंस में से चीजों को चुनता हूं और देखता हूं लिस्ट में है कि नहीं, तो कंप्लीटनेस चेक होता है। तो इसका मतलब वो एग्जाम्पल दे दे के समझाना चाहते हैं, इन्वेंट्री के केस में ठीक है, एग्जिस्टेंस के लिए, रेलेवेंट एग्जिस्टेंस के लिए आपको अकाउंटिंग रिकॉर्ड टू ऑडिट एविडेंस जाना पड़ेगा, तब जाके आपको रिलेवेंट ऑडिट एविडेंस मिलेगा, और कंप्लीटनेस के लिए आपको ऑडिट एविडेंस से अकाउंटिंग रिकॉर्ड जाना पड़ेगा, तब जाकर आपको रिलेवेंट ऑडिट एविडेंस मिलेगा। कम बच्चों को समझता है, बच्चों को लेट समझता है, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह समझ में आया, ठीक है, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है कि कैसे एग्जिस्टेंस के लिए डायरेक्शन ऑफ टेस्टिंग और रेलेवेंट एविडेंस अलग होता है, और कंप्लीटनेस के लिए डायरेक्शन ऑफ टेस्टिंग और रेलेवेंट ऑडिट एविडेंस अलग होता है, दोनों के लिए रेलेवेंट एविडेंस अलग अलग है। आइए वैसी सेम लाइंस में और एक चीज मैं आपको बताता हूं, सेम लाइंस में आपके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से, मैंने आपको बार बार बताया, मैंने जो भी आपको टेलीग्राम टेलीग्राम ग्रुप आपको बताया था,
टेलीग्राम ग्रुप मैंने आपको बताया था, वहां पर पे मैंने ये जो हैंड रिटन नोट्स है उसकी लिंक दी हुई है, ठीक है। मैं आपको बोलूंगा कि जो चीजें आपको याद रखने वाली है, जो चीजें आपको याद रखने वाली है या अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको नोट कर सकते हो। हर चीज को नोट करने की जरूरत नहीं, जो आपको रिवीजन के काम आएगी, ठीक है, जो आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत जरूरी, इसके बिना समझ में नहीं आएगा, जैसे ये कर सकते हो, और जो आपको रिवीजन काम आएगा बस आपने उसी को, ठीक है, आपने आपने उसी को, ठीक है, उसी को आपने नोट करना चाहिए। और आपके टेलीग्राम ग्रुप पे जो ईओ का जो टॉपिक है वहां पे मैंने लिंक दी हुई है नोट्स की, जहां से आप इसको लिख सकते हैं। आइए तो देखिए, तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से लिस्ट ऑफ क्रेडिटर है, थोड़ा एग्जांपल चेंज कर दिए, क्रेडिटर्स है, ठीक है। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स जो होते हैं, क्रेडिटर्स को चेक करना मतलब, क्रेडिटर्स को चेक करना मतलब जो क्रेडिटर्स का अकाउंट होता है उसके अंदर की बड़ी एंट्रीज को चेक करना, कॉमन सेंस है। क्रेडिटर्स को चेक करना मतलब क्रेडिटर्स का जो अकाउंट है उसके अंदर की जो बड़ी एंट्रीज है उसको चेक करना, और सबसे बड़ी एंट्री जो जाती है, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे क्रूशियल, तो वो होती है परचेस की एंट्री। और थोड़ा सा अगर आप इमेजिन करेंगे, थोड़ा सा अगर आप इमेजिन करेंगे, ठीक है, परचेस के परचेस प्रोसेस को, सबसे पहले पीआरएन बनता है, परचेस रिक्वेशन नोट, कि माल खरीदना है। फिर जैसी पीआरएन अप्रूव होता है, बाहर से कोटेशंस आते हैं, मंगवाए जाते हैं कोटेशंस, कौन सा सप्लायर कितने में कितना माल देने को तैयार है। फिर एक मैनेजर उसमें से एक कोटेशन को चुनता है और परचेस ऑर्डर प्लेस करता है, ठीक है, पीओ, परचेस ऑर्डर। फिर गुड्स आते हैं, जब गुड्स आते हैं तो कंपनी गोडाउन में उतरते हैं तो जीआरएन बनता है, गुड्स रिसीव्ड नोट, ठीक है। फिर उसका क्वालिटी इंस्पेक्शन रिपोर्ट बनता है, जब सब सही निकले स्टॉक रजिस्टर में एंट्री होती है। फिर उसके कुछ समय बाद परचेस इनवॉइस आता है, कुछ समय परचेस इनवॉइस आता है, परचेस बुक में एंट्री होती है, क्रेडिटर्स लेजर में पोस्टिंग होती है वहां से। फिर फाइनली क्रेडिट पीरियड खत्म होने के बाद जितना भी होगा, एक महीना, दो महीना, तीन महीना, पेमेंट किया जाता है, पेमेंट किया जाता है। फिर उसके बाद में बैंक स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट में आपको पैसे आते हैं, ठीक है, बैंक स्टेटमेंट में आपको दिखते पैसे पे किए गए, करेक्ट। और जो क्लोजिंग बैलेंस होता है क्रेडिटर का, हम सप्लायर को बोल सकते हैं एक्सटर्नल कंफर्मेशन, बाप रे। तो क्रेडिटर के अकाउंट की बड़ी एंट्रीज, क्रेडिटर को अगर आपको चेक करना है, क्रेडिटर को अगर आपको चेक करना है, क्रेडिटर के अकाउंट की बड़ी एंट्रीज को चेक करना है, तो इतने सारे डॉक्यूमेंट्स है, ये एविडेंस है। अब वापस ध्यान दीजिए, ठीक है, अगर ऐसा बोलते हैं कि क्रेडिट, ऐसा डर लग रहा है क्रेडिटर्स आर ओवरस्टेटेड, क्रेडिटर्स ओवरस्टेटेड लग रहा है, ओवरस्टेट मतलब, ओवरस्टेट मतलब क्रेडिटर्स को बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है, ज्यादा बताया गया है ऐसा लग रहा है। इसी का बोलने का मतलब है कुछ क्रेडिटर्स नकली लग रहे हैं, इसी का मतलब है हमको क्रेडिटर्स की रियलिटी में डाउट है, उनके एग्जिस्टेंस में डाउट है, क्रेडिटर असली है कि नहीं ये डाउट है। तो क्या करेंगे, बहुत सिंपल है, रैंडमली कुछ क्रेडिटर्स को चुनो। सपोज हमने रैंडमली 20 क्रेडिटर को चुना, 20 क्रेडिटर को चुना, अब जो क्रेडिटर्स को चुना है, ठीक है, उसके एविडेंस देखो, अगर आपको उसके और एविडेंस मिल गए, आपको जो क्रेडिटर को आपने चुना है, ठीक है, उनके आपको दिख रहा है कि भाई उनको परचेस ऑर्डर बराबर दिख रहा है, कि भाई इनको बड़े बड़े ऑर्डर दिए गए थे, इनके गुड्स आए हैं, परचेस इनवॉइस दिख रहा है, एक्सटर्नल कंफर्मेशन दिख रहा है,
तो आपका दिल संतुष्ट हो जाएगा, नहीं यार क्रिएटर जो है ना वो असली है, सही है। डायरेक्शन ऑफ टेस्टिंग इज अकाउंटिंग रिकॉर्ड से मैंने कुछ चीजों को चुना और देखा उसका ऑडिट एविडेंस है क्या, वापस वही है। एग्जिस्टेंस अगर चेक करना है तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड को बेस बनाओ, अकाउंटिंग रिकॉर्ड को आप बेस बनाइए, ठीक है, और अकाउंटिंग रिकॉर्ड को बेस बनाइए और देखिए एविडेंस है कि नहीं। सिंपल सी बात है, बहुत आसान सी बात है, ठीक है। उसी तरीके से अगर ये डायरेक्ट क्रिएटर्स अंडरस्टेटेड है, अंडरस्टेटेड मतलब कुछ क्रिएटर्स छूट गए हैं, मिसिंग है, इसका हमको डर लग रहा है, मतलब हमको ये डर लग रहा है क्रिएटर्स कहीं इनकम्प्लीट तो नहीं, मतलब कंप्लीटनेस में प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर क्रिएटर्स के, अगर हमको क्रिएटर्स के कंप्लीटनेस में प्रॉब्लम लग रहा है, ठीक है, कहीं छूट तो नहीं गए, एक काम करो रैंडमली बड़े बड़े परचेस इनवॉइस चुनो, आखिरी महीने के परचेस इनवॉइस चुनो, आखिरी आखिरी के परचेस इनवॉइस चुनो, आखिरी आखिरी के जीआरएन चुनो, देखो उसकी अकाउंटिंग दिख रही है क्या। आप ऑडिट एविडेंस को चुनो और देखो उसकी अकाउंटिंग दिख रही है क्या, अगर दिख रही है, अगर आपको दिख रहा है, मतलब डायरेक्शन ऑफ टेस्टिंग इज फ्रॉम ऑडिट एविडेंस टू अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, सेम लाइंस पे, तो लेट्स फ्रीज। बहुत आसान, एग्जिस्टेंस के लिए अकाउंटिंग रिकॉर्ड से चीजों को चुनो और एविडेंस से मैच करो, कंप्लीटनेस के लिए एविडेंस से चीजों को चुनो और रिकॉर्ड से मैच करो, ठीक है। ये एग्जाम्पल्स काम आएंगे हमको, फाइनल लेवल तक के बच्चों को कभी कभी समझ में नहीं आता है, अगर आपको समझ में आ गया दीवन धन्य है। आइए ध्यान दीजिए, लिसन, तो जो एविडेंस असर्शन लेवल रिस्क को कवर करे, जहां प्रॉब्लम है उसको कवर करे, वो एविडेंस हमारे लिए रिलेवेंट ऑडिट एविडेंस है। एग्जाम्पल्स, अगर इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का उन्होंने एग्जाम्पल लिया है, अगर आप इन्वेंट्री का, ठीक है, एग्जिस्टेंस चेक करना चाहते हो तो आप फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे तो आपको एविडेंस मिल जाएगा, उन्होंने एग्जाम्पल लिया है। अगर आप वैल्यूएशन चेक करना चाहते हो तो रिलेवेंट एविडेंस अलग होगा। वैल्यूएशन कैसे चेक होता है, कॉस्ट और एनआरवी विच इज लोअर, तो आपको एक्सेल शीट लेकर बैठना पड़ेगा, हर इन्वेंट्री का कॉस्ट कितना है वो देखना पड़ेगा, उसका एनआरवी कितना है वो देखना पड़ेगा, और विच्योर इज लोअर किया कि नहीं वो देखना पड़ेगा। दोनों को चेक करने के लिए तरीका अलग, रेलेवेंट ऑडिट प्रोसीजर एंड रेलेवेंट ऑडिट एविडेंस इज डिफरेंट। बस एग्जाम्पल देकर समझा रहे कि एग्जिस्टेंस के लिए रेलेवेंट ऑडिट प्रोसीजर एंड एविडेंस इज फिजिकल वेरिफिकेशन, वैल्यूएशन के लिए, ठीक है, ऑडिट प्रोसीजर विल बी एक्सेल बेस्ड, आपको ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करके चेक करना पड़ेगा कि वैल्यूएशन कॉस्ट एनआरवी विच इज लोअर है कि नहीं, ठीक है। आइए, ये एक तीन एग्जाम्पल है, मैं आपको पहला एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, अभी तीसरा एग्जाम्पल देखिए, ये हम पढ़कर आए अभी, चेकिंग ओवर स्टेटमेंट एंड अंडर स्टेटमेंट ऑफ क्रिएटर्स। अगर आपके क्रिएटर्स ओवर स्टेट आप बोल रहे हैं, मतलब आपको क्रिएटर्स नकली लग रहे हैं, अगर आपको क्रिएटर्स नकली लग रहे हैं मतलब क्रिएटर्स के एग्जिस्टेंस में डाउट है, आपको लग रहा है एग्जिस्टेंस में गड़बड़ है, तो आपने बेस बनाना चाहिए अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, आपने रैंडमली क्रिएटर्स को चुनना चाहिए और आपने ऑडिट एविडेंस से मैच करना चाहिए, ठीक है, कि भाई बड़ी बड़ी एंट्रीज आपको दिखना चाहिए, आपको बड़ी बड़ी एंट्रीज के लिए पीआरएन, परचेस ऑर्डर, जीआरएन, परचेस इनवॉइस, ठीक है, बैंक पेमेंट्स, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, ये सब आपको दिखना चाहिए। अगर आपके मन में डर है अंडरस्टेटमेंट ऑफ क्रिएटर्स, क्रिएटर्स कुछ छूट गए, मिसिंग है, तो अब रैंडमली एविडेंस में से आप चुनो, ठीक है, एविडेंस में से आप चुनो, ठीक है, बड़े बड़े परचेस ऑर्डर, बड़े बड़े इनवॉइस, बड़े बड़े जीआरएन, बड़े बड़े इनवॉइसेस, आखिरी महीने की चीजें, ठीक है, वो आप लो और देखो कि इसकी अकाउंटिंग हुई है क्या, ठीक है। यहां पे एक छोटी सी बात, जनरली हर परचेस का एक बंच बनता है, पूरा बंच,
पीआरएन से लेके आखिरी पेमेंट तक पूरा एक बंच बनता है हर परचेस का। कभी कभी कुछ डॉक्यूमेंट अनमैच्ड होते हैं, मतलब जैसे एक परचेस ऑर्डर दिख रहा है लेकिन बाकी कुछ भी नहीं दिख रहा, बाकी कुछ नहीं दिख रहा, उसको बोलते हैं अनमैच। कभी कभी होता है, रेयरली। तो आपने अनमैच डॉक्यूमेंट को चुनना चाहिए, एविडेंस। अरे इसकी अकाउंटिंग क्यों नहीं हुई, तो आपको और समझ में आएगा, अरे कहीं कुछ चीज मिस तो नहीं होगी। कभी कभी हो सकता है, ठीक है, बस जब आपको एक आध दो डॉक्यूमेंट दिखते, बाकी डॉक्यूमेंट नहीं दिखते, उसको बोलते हैं अनमैच्ड है, इसके बाकी डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहे, उसको आप चेक करिए कहीं कुछ छूट तो नहीं गया, अकाउंटिंग करना रहे तो नहीं गया हमारे हाथ से, ठीक है। तो हर असर्शन के लिए रेलेवेंट ऑडिट प्रोसीजर, डायरेक्शन ऑफ टेस्टिंग और एविडेंस अलग होता है, बस यही समझा रहे। फिर डेटर की बात कर रहे हैं, डेटर की बात कर रहे हैं, सुन लीजिए। डेटर को चेक करने के कई तरीके, एक तरीका है सब्सिक्वेंट रिकवरी, साल खत्म होने के बाद में पैसे मिले क्या, तो 31 मार्च के बैलेंस शीट में हमको डेटर दिख रहा है 500 करोड़ के, और अगले 5 महीने में 99.99% पूरी रिकवरी हो गई। ये प्रूव करता है कि डेटर असली थे और उनका वैल्यू सही था, एग्जिस्टेंस और वैल्यूएशन चेक समझ में आता है, ठीक है, बिल्कुल समझ में आता है। लेकिन जो 500 करोड़ के डेटर दिख रहे हैं, क्या इस साल के डेटर गलती से अगले साल तो नहीं चले गए, क्या अगले साल के डेटर गलती से इस साल तो नहीं आ गए, मतलब ईयर आगे पीछे तो नहीं हुआ, यह समझ में नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर 1 अप्रैल के 50 लाख के डेटर गलती से 31 मार्च को बुक हो गए, एंट्रीज बाद में चलती रहती है ना, 50 लाख के डेटर इधर बुक हो गए और आपको दिख रहा है कि बाद में रिकवरी हो गई, रिकवरी प्रूव्स डेटर्स आर रियल एंड वैल्यूएशन इज अप्रोप्रिएट, लेकिन रिकवरी से यह नहीं समझ में आता कि वो इस साल के डेटर गलती से पिछले साल तो नहीं चले गए, या पिछले साल के डेटर गलती से इस साल तो नहीं आ गए, मतलब कट ऑफ। बोलने का मतलब, सब्सिक्वेंट रिकवरी से आपको भरपूर एविडेंस मिल जाएगा, भरपूर आपको एविडेंस मिल जाएगा एग्जिस्टेंस को लेकर, वैल्यूएशन को लेकर, लेकिन कट ऑफ को लेकर एविडेंस नहीं मिलेगा आपको, कट ऑफ को लेकर एविडेंस नहीं मिलेगा। कट ऑफ के लिए क्या करना पड़ेगा, इस साल के आखिरी 10 ट्रांजैक्शन चेक करो, कहीं अगले साल का तो नहीं आ गया, और अगले साल के पहले 10 ट्रांजैक्शन चेक करो, कहीं इस साल का उस साल तो नहीं चला गया। अच्छा, आपके दिमाग बस इतना फिट कर रहे हैं, हर असर्शन अलग है, हर असर्शन के लिए रेलेवेंट ऑडिट प्रोसीजर, रेलेवेंट डायरेक्शन ऑफ टेस्टिंग और एविडेंस अलग होता है। इसको 3 एग्जांपल देखकर समझाया। आपके बैलेंस शीट में सबसे पहले इन्वेंटरी आती है, एग्जिस्टेंस चेक करने का तरीका अलग है, वैल्यूएशन चेक करने का तरीका अलग है। डेटर में सब्सिक्वेंट रिकवरी से आपको बहुत प्यारा एविडेंस एग्जिस्टेंस और वैल्यूएशन के लिए मिलता है, कट ऑफ के लिए नहीं। फिर आपके क्रेडिटर का ओवरस्टेटमेंट चेक करने का तरीका अलग है और अंडरस्टेटमेंट चेक करने का तरीका अलग है। आई होप आपके दिमाग में क्रिस्टल क्लैरिटी है। फिर एक ही असर्शन को चेक करने के मल्टीपल एविडेंस हो सकते हैं। डेटर को चेक करने के लिए सब्सिक्वेंट रिकवरी भी एक तरीका है और एक्सटर्नल कंफर्मेशन भी तरीका है। एक ही असर्शन के लिए जितने मल्टीपल सोर्स से ऑडिट एविडेंस निकल निकल के आएंगे, मल्टीपल सोर्स से, जितने मल्टीपल सोर्स से हम लोग ऑडिट एविडेंस लेकर आएंगे, उतना ज्यादा भरोसा हमको आएगा। सर, परचेस करने का वीरेंद्र का डाउट है कि कोई आदमी परचेस
बढ़ाने का क्यों सोचेगा? मैं आप सब लोगों को बता दूं बच्चों, ठीक है, कंपनी दोनों चीज ट्राई करती है। कुछ कंपनियां प्रॉफिट बढ़ा बढ़ाकर वैल्यूएशन बढ़ाने की कोशिश करती है, ठीक है, प्रॉफिट बढ़ा बढ़ाकर वैल्यूएशन बढ़ाने का कोशिश करती है, शेयर्स का वैल्यूएशन, ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसा ले सके। कुछ कंपनी एग्जैक्टली उल्टा भी करती है, सम कंपनीज डू एग्जैक्टली अपोजिट। व्हाट दे डू, वो लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट कम कर करके टैक्स की चोरी करने का भी ट्राई करते हैं। तो मार्केट में दोनों तरह की कंपनियां तुमको मिलेगी। दोनों तरह की कंपनियां तुमको मिलेगी, ऐसी कंपनियां भी मिलेगी जो चीजों को कम करने की कोशिश करती है, और ऐसी कंपनियां मिलेगी जो चीजों को ज्यादा करने की कोशिश करती है। तो ऐसा कभी नहीं होता कि सिर्फ प्रॉफिट बढ़ाने वाली कंपनीज है, प्रॉफिट कम करने वाली कंपनीज भी होती है, और उनके अपने लॉजिक होते हैं, उनके अपने रीजंस होते हैं कि वो ऐसा क्यों करना चाहते हैं, ठीक है। तो आई होप आपके दिमाग में क्लैरिटी होगी। ओके, जस्ट अ मिनट गाइस। नाउ आइए, अब ऑडिट प्रोसीजर कैसे डिजाइन करें। बहुत सिंपल, मैंने आपको बताया ऑडिट प्रोसीजर में दो है। हम जिस असर्शन में भी प्रॉब्लम है, सबसे पहले टेस्ट ऑफ कंट्रोल करते हैं कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कंपनी के अंदर का, जो उस असर्शन को प्रोटेक्ट कर रहा है, वो बराबर चल रहा है ना, उसको बोलते हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल। जब हमारा इंटेंशन होता है ये चेक करना कि क्या इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बराबर डिजाइन किया हुआ है ना, इज इट ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, इज इट डिजाइंड प्रॉपरली, इज इट डिजाइन प्रॉपरली, इज इट ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, ठीक है। तो हम लोग टेस्ट ऑफ कंट्रोल कर रहे हैं, और जब हम ये चेक करते हैं वेदर फाइनेंशियल आइटम, ट्रांजैक्शन बैलेंस डिस्क्लोजर, इनकम एक्सपेंस, एसेट लायबिलिटी, नोट्स टू अकाउंट्स, क्या वो फाइनेंशियल आइटम बराबर है ना, देन दैट इज सब्सटेंटिव प्रोसीजर। तो इनका क्या कहना है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स सोच समझ के डिजाइन करो, मतलब डिसाइड करो, ताकि जिस असर्शन में रिस्क है, एग्जैक्टली उसको प्रोटेक्ट करने वाला जो इंटरनल कंट्रोल है, वही हम जाकर चेक करें, ठीक है, वही हम जाकर चेक करें। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, एक मैनेजर की जिम्मेदारी है, अलग अलग मैनेजर की अलग अलग जिम्मेदारी है। मैनेजर ए की जिम्मेदारी है ये चेक करना कि अगर कोई परचेस हुआ है तो सही में गुड्स आए कि नहीं, जीआरएन बना कि नहीं, गुड्स आए कि नहीं, जीआरएन है कि नहीं, ये चेक करना। तो अगर आप ऑकरेंस चेक करना चाहते हो, अगर आपको ऑकरेंस कि भाई परचेस हुआ कि नहीं, ऑकरेंस आप चेक करना चाहते हो, तो जो मैनेजर ए है जो जीआरएन चेक करता है, आपने उसका काम चेक करना चाहिए, उसकी सिग्नेचर है क्या डॉक्यूमेंट्स पे, उसकी सिग्नेचर है क्या, उसका स्टैंप है क्या, वो चेक करना चाहिए। इसका मतलब आप रेलेवेंट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को चेक कर रहे हो। दूसरा मैनेजर है जो कैलकुलेशन चेक करता है, मतलब वो एक्यूरेसी को चेक कर रहा है। मैनेजर दूसरा मैनेजर, उसकी सिग्नेचर और स्टैम्प चेक करना, मतलब आप एक्यूरेसी चेक कर रहे हो। इसलिए सोच समझ के पता लगाइए कौन से असर्शन में प्रॉब्लम है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सा रिलेवेंट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है, उस बंदे के सिग्नेचर स्टैम्प या उस कंट्रोल को आपने चेक करना चाहिए। सेम इज एप्लीकेबल टू सब्सटेंटिव प्रोसीजर। देखो इतना एज इट इज लिखने की जरूरत नहीं, और इसमें से बहुत सारी बातें हम आगे भी समझेंगे। आपको डिजाइन करनी चाहिए सब्सटेंटिव प्रोसीजर जिस असर्शन में प्रॉब्लम है। मैंने आपको सब्सटेंशिएट करने के दो तरीके,
एयर कंडीशन चेंबर में बस कंपैरिजन कंपैरिजन खेलो, उसको बोलते हैं एनालिटिकल प्रोसीजर, या फिर मैदान में उतरो, इंस्पेक्शन करो, इंक्वायरी करो, रीपरफॉर्मेंस करो, रीकैलकुलेशन करो, उसको बोलते हैं टेस्ट ऑफ डिटेल्स। आपने सोच समझकर आपने सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स को भी लगाना चाहिए। लेट्स फ्रीज। रेलेवेंस पे अगर शॉर्ट नोट आए, रेलेवेंस का मीनिंग बताएंगे, उसके तीन क्या क्या बताएंगे अपन, रेलेवेंस का मीनिंग बताएंगे, आप रेलेवेंस का मतलब समझाएंगे, ठीक है, आप उसके तीन एग्जांपल देंगे। देखो वो भी सीक्वेंस में अरेंज किया मैंने, पहले इन्वेंटरी आती तो इन्वेंटरी के नीचे डेटर आता है तो डेटर, और डेटर के नीचे, ठीक है, डेटर के नीचे सर, फिर लाइबिलिटी साइड में आपके क्रिएटर आते हैं तो क्रिएटर, फिर टीओसी और सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स, ऐसे चुनो कि आपको रिलेवेंट। ये तीन बातें समझाए तो शॉर्ट नोट आपका कवर हो गया, ठीक है। बहुत क्रिटिकल कॉन्सेप्ट था, आप समझेंगे नहीं, बहुत गहराई थी इसके अंदर। अगर आपको ये समझ में आ गया, मैं आपको बता रहा हूं, जीवन सफल है भाई, जीवन पूरी तरीके से सफल है, सब कुशल मंगल है, ठीक है। आइए अब हम लोग एक बहुत प्यारी चीज देखने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी, बहुत ही प्यारी चीज। लेट्स अंडरस्टैंड दिस गाइस। जस्ट ए मिनट। ओके, नाउ ऐसे बहुत, हम इतने सारे अलग अलग इंडस्ट्री में जाते हैं, ऐसे बहुत सारे एरियाज है जिसका हमको नॉलेज नहीं होता। देयर लॉट ऑफ एरियाज where we don't have sufficient knowledge, ठीक है। अब ज्वेलरी शॉप होती है ना, ज्वेलरी शॉप, नेकलेस, रिंग विंग, लड़कों को जनरली नहीं समझता यार वो प्यूरिटी ऑफ गोल्ड क्या होती है कैसे समझना। जेम्स डायमंड्स का वैल्यूएशन, ब्लैक डायमंड्स, व्हाइट डायमंड्स, पिंक डायमंड्स, अपर अपर अपर, उसका वैल्यूएशन हमको नहीं समझता भाई। वी डोंट अंडरस्टैंड दैट वैल्यूएशन, वी जनरली डोंट अंडरस्टैंड दैट वैल्यूएशन। तो अब हमको ये वैल्यूएशन कुछ समझते नहीं है। ऐसे बहुत जगह होता है हमको मदद लेनी चाहिए एक्सपर्ट्स की, वी शुड टेक हेल्प ऑफ द एक्सपर्ट्स। बस वो बहुत सिंपल सी बात बोली है, ठीक है। आइए, एक्सपर्ट्स क्या होते हैं, हु आर एक्सपर्ट्स, पर्संस हैविंग स्पेशलाइज्ड स्किल्स एंड नॉलेज। जो ऐसे लोग जिनके पास में स्पेशलाइज्ड स्किल्स है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज है, उनके क्वालिफिकेशन की वजह से, उनके एक्सपीरियंस की वजह से, उनके ट्रेनिंग की वजह से, ठीक है, बहुत ही प्यारा नॉलेज है किसी फील्ड का, बहुत प्यारी स्किल्स है किसी फील्ड में, अदर देन अकाउंट्स एंड ऑडिट, उसको हम एक्सपर्ट्स बोलते हैं। क्योंकि अकाउंट्स और ऑडिट का इनडेप्थ नॉलेज, हाई लेवल ऑफ नॉलेज तो ऑडिटर को खुद को होता है, तो उसको जो नॉलेज है उसके अलावा
बाकी फील्ड्स में जिनके पास में नॉलेज है उनको एक्सपर्ट बोलते हैं। एक्सपर्ट दो तरह के होते हैं, मैनेजमेंट एक्सपर्ट और ऑडिटर एक्सपर्ट। अगर एक्सपर्ट का अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट ने किया है, मैनेजमेंट ने एक्सपर्ट को अपॉइंट किया है कि तू मुझे हेल्प कर अकाउंटिंग प्रोसेस में, तो वो मैनेजमेंट एक्सपर्ट है। फॉर एग्जाम्पल, किसी इंजीनियर को अपॉइंट किया है कि तू मुझे प्लांट एंड मशीनरी का यूजफुल लाइफ निकाल दे, तो वो मैनेजमेंट एक्सपर्ट है। ठीक है, जैसे फ्यूचरिस्टिक जो चीजें हैं उसके लिए हमको एक्चुअरी लगता है कि भाई प्रोविजन हमको आगे जाकर एम्प्लॉयज को पेंशन पे करना पड़ेगा, ग्रेच्युटी पे करना पड़ेगा, उसका प्रोविजन कितना बना है, प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी कितना बना है, प्रोविजन फॉर पेंशन कितना बना है। ठीक है, ये हम लोगों, ये ग्रेच्युटी कितना, प्रोविजन फॉर पेंशन कितना बना है, ये हम लोगों को चेक करना पड़ेगा। ठीक है, ये हम लोगों को चेक करना पड़ेगा। नाउ ये अब ये कौन कंप्यूट, तो मैनेजमेंट के लोग क्या करते हैं, एक्चुअरी एक्चुअरी को अपॉइंट करते हैं कि भाई प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी निकाल कर दे, प्रोविजन फॉर पेंशन निकाल कर दे, और वो निकाल के देता है। कैसे देता है बताऊंगा मैं आगे। तो अगर मैनेजमेंट ने किसी व्यक्ति को अपॉइंट किया है ताकि वो मदद करे अकाउंटिंग प्रोसेस में, ठीक है, ऐसे बंदे की रिपोर्ट्स हम यूज कर सकते हैं, ऐसे बंदे की रिपोर्ट्स हम यूज कर सकते हैं, हमारे फाइल में रख सकते हैं उसकी कॉपी एज अ ऑडिट एविडेंस। आपको ऐसे 500 के प्रोसेस को, प्रिंसिपल को फॉलो करना पड़ेगा। और ऑडिटर अपॉइंट करता है कि खास अपॉइंटमेंट तेरा है इसीलिए कि तू ऑडिट में हेल्प करे, ऑडिट प्रोसेस में, उससे कैसे डील करना है, ऐसे 620 में जो आपके कोर्स में नहीं है। तो दो तरह के एक्सपर्ट है, एक मैनेजमेंट अपॉइंट करते हैं, एक ऑडिटर अपॉइंट करते हैं। मैनेजमेंट ने उसको अकाउंटिंग के लिए अपॉइंट किया था, वो तो हो गया, लेकिन हम बोलते हैं कि अब उसकी जो रिपोर्ट है मैं ऑडिट के लिए भी यूज करूं क्या, कैन आई यूज इट फॉर ऑडिट, इतना मेहनत कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, क्या मैं ऑडिट के लिए उसकी रिपोर्ट यूज कर सकता हूं, कर सकते हो, लेकिन आपको ऐसे 500 के प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, देखेंगे अभी। और ऑडिटर खुद अपॉइंट कर सकता है, लेकिन उसको भी एक प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी 620 में, जो आपके कोर्स में नहीं है। आइए अब बहुत सिंपल सा, क्या हेडिंग है, यूजिंग वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट। कभी भी आपको ऑडिट में ऐसा पता चले कि मैनेजमेंट ने अलग अलग प्रकार के एक्सपर्ट को अपॉइंट किया है और वो एक्सपर्ट ने रिपोर्ट बनाई है, तो आप अगर बहुत स्मार्ट और इंटेलिजेंट है, यू कैन यूज द रिपोर्ट्स ऑफ द मैनेजमेंट एक्सपर्ट, बट एक प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, आप ब्लाइंड रिलायंस, अंधविश्वास, बिना सोचे समझे आप विश्वास नहीं कर सकते। आपको थ्री स्टेप प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, स्टेप नंबर वन आपको देखना पड़ेगा बंदे का सीसीओ, कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी। कॉम्पिटेंस मतलब बंदे क्या, बंदे का नॉलेज और स्किल्स क्या लेवल का है, दैट इज कॉम्पिटेंस। नॉलेज और स्किल्स क्या लेवल का है, उसके क्वालिफिकेशन, उसकी ट्रेनिंग्स, उसका एक्सपीरियंस, उसका मार्केट रेप्यूटेशन, उसका कॉम्पिटेंस कैसा है। कैपेबिलिटी मतलब उसके पास में टाइम, टीम, इक्विपमेंट, क्या उसके पास में टाइम है, क्या उसके पास में टीम है, क्या उसके पास में इक्विपमेंट है, सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ये हमको देखना पड़ेगा, दैट इज कैपेबिलिटी।
दैट इज कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी देखना पड़ेगा। ठीक है, अब वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग इज द वर्ड ऑब्जेक्टिविटी। ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी ऑफ एक्सपर्ट। ठीक है, ऑब्जेक्टिव जो वर्ड है इसके दो मतलब है। ठीक है, इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज, इंग्लिश फनी लैंग्वेज है, और फनी लैंग्वेज, फनी लैंग्वेज वो इसीलिए है। ठीक है, इट्स अ फनी लैंग्वेज क्योंकि एक ही शब्द के मल्टीपल उसके मतलब हो जाते हैं, और जबकि हमारी हिंदी, हमारी संस्कृत या बाकी लैंग्वेजेस ऐसे है, स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए हमारे स्पेसिफिक वर्ड है, और यहां पर एक ही वर्ड के दो अलग अलग मतलब है। जो ऑब्जेक्टिव वर्ड है उसका एक मतलब होता है एम, टारगेट, एम, टारगेट, गोल, ये उसका एक मतलब है टारगेट, और दूसरा मतलब है बीइंग ऑब्जेक्टिव, मतलब बीइंग अनबायस्ड। आपके सीए एग्जाम्स में, आपके जो एमसीक्यू, आपके सीए एग्जाम्स में, आपके सीए एग्जाम्स में आपके जो एमसीक्यूज होते हैं, ठीक है, आपके जो एमसीक्यूज होते हैं वो एमसीक्यूज को, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स बोला जाता है, और जो डिस्क्रिप्टिव होते हैं उसको सब्जेक्टिव बोला जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आपके जो एमसीक्यूज होते हैं उसकी चेकिंग स्कैनर करता है, मशीन करता है, मतलब चेकिंग में चेक करने वाले का पर्सनल बायस नहीं आता। सारे स्कैनर्स एक जैसी चेकिंग करेंगे, और किसी अगर बंदे को भी चेकिंग करने के लिए दिया तो एक करेक्ट है तो एक को ही, एक ही मार्क देगा वो, उसका पर्सनल बायस नहीं आएगा। एमसीक्यू बेस्ड चेकिंग में स्कैनर्स चेक करते हैं, कभी कभी इंडिविजुअल भी चेक करते हैं, चेक करने वाले का पर्सनल बायस नहीं आएगा, कोई भी चेक करे उतने ही मार्क्स मिलेंगे, इसलिए उसको अनबायस्ड चेकिंग बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव चेकिंग बोलते हैं। लेकिन जो डिस्क्रिप्टिव आप पोर्शन लिखते हो उसमें ह्यूमन बींग है, मानो नहीं मानो, ठीक है, प्लस माइनस 5 मार्क हो सकता है, क्योंकि हर चेकर का नॉलेज का लेवल अलग है, उसके नॉलेज का लेवल अलग है, उसका एक्सपीरियंस अलग है, उसकी मन का जो स्थिति है वो अलग है, मन की स्थिति अलग है उसकी, ठीक है, मन की स्थिति अलग है, आपके पहले जो पेपर है वो अलग है, एंड सो ऑन। तो इन सब वजह से वही पेपर को एक बंदा 60 मार्क दे सकता है, एक बंदा 55 मार्क दे सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है। इसीलिए थोड़ा, ज्यादा नहीं, थोड़ा एलिमेंट ऑफ लक तो सीए एग्जाम्स में जरूर होता है, सब्जेक्टिव। तो हमको देखना है कि क्या एक्सपर्ट कॉम्पिटेंट है, कैपेबल है, और ऑब्जेक्टिव है, मतलब अनबायस्ड है। ये तीन बातों को हमको देखना पड़ेगा। स्टेप नंबर 1 में CCO इज ही कॉम्पिटेंट, कैपेबल एंड ऑब्जेक्टिव। कैसे देखेंगे? सब बहुत फेमस क्वेश्चन है, कैसे चेक करेंगे? बहुत आसान है, डॉक्यूमेंट्स देखने पड़ेंगे। आप डॉक्यूमेंट्स में, डॉक्यूमेंट्स को देखना होगा, आप क्वालिफिकेशंस, उसके क्वालिफिकेशंस क्या, वो देखिए उसने कितने रिसर्च पेपर्स और कितनी किताबें लिखी है, अब वो देखिए, उससे समझ में आएगा सामने का कॉम्पिटेंस क्या है, कैपेबिलिटी क्या है, ठीक है, वो आपको समझ में आएगा। और एक्सपीरियंस, उसके साथ काम करने का एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस रिलेटेड बातें देखिए। अगर आपको पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप दूसरे असाइनमेंट में काम कर चुके हो, तो रिकॉल करिए कैसा था उसके साथ काम करने का एक्सपीरियंस, उससे कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी समझ में आएगा। नहीं था एक्सपीरियंस आपके पास, तो उसके साथ में बैठकर डिस्कशन करिए, या फिर दूसरों से डिस्कस करिए जो इसके साथ काम कर चुके हैं,
या तो खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस रिकॉल करिए, नहीं है तो आमने सामने बैठकर डिस्कशन करिए, या फिर जिनके पास में इसके साथ काम करने का एक्सपीरियंस है उनसे बात करिए। बस अगर आप डॉक्यूमेंट्स देखोगे, दो तरह के डॉक्यूमेंट्स देखोगे तीन तरह के आप ये एक्सपीरियंस लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बंदा कॉम्पिटेंट है क्या, क्या बंदा कॉम्पिटेंट है, क्या बंदा कैपेबल है, क्या उसके पास ऑब्जेक्टिविटी है, यह आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए अंधविश्वास मत करो, सिर्फ किसी के नाम के आगे एक्सपर्ट जुड़ गया तो उस पर अंधविश्वास नहीं करना चाहिए, नहीं तो इतने बेवकूफ बनोगे दुनिया में, इतने बेवकूफ बनोगे जिसकी लिमिट नहीं है। तो स्टेप नंबर वन में सोच समझ के कॉम्पिटेंस कैपेबिलिटी ऑब्जेक्टिविटी चेक करो, सीसीओ, तीन चीजें। स्टेप नंबर टू में इससे पहले कि मैं उसकी रिपोर्ट पढ़ू, रिपोर्ट के बाद उसकी फाइलें देखू, उसकी फाइलें देखू कि उसने क्या काम किया है, उससे पहले मेरे पास में थोड़ा नॉलेज होना चाहिए ऑफ द फील्ड ऑफ एक्सपर्ट, जो भी फील्ड का वो एक्सपर्ट है। स्टेप नंबर टू अंडरस्टैंडिंग द फील्ड ऑफ एक्सपर्ट, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग द फील्ड ऑफ एक्सपर्ट, उसके एस्पेक्ट्स, एस्पेक्ट मतलब पार्ट्स, अंडरस्टैंड द फील्ड ऑफ एक्सपर्ट, उसके एस्पेक्ट समझना चाहता हूं कि वो लोग कौन सा फॉर्मूला या सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, क्या डेटा यूज करते हैं, क्या अजम्पशंस यूज करते हैं, ये मैं देखना चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट, ये मैं देखना चाहता हूं। क्यों ऐसा, क्यों मैं ये चीजों को देखना चाहता हूं, ताकि जब मैं उसका नॉलेज लेना चाहता हूं, जब मैं उसकी रिपोर्ट लेकर बैठू तो मुझे चीजें समझ में आए, क्या चेक करना वो समझ में आए, कैसे चेक करना वो समझ में आए। इसको करने कई तरीके हैं। मैं जाकर एक आध हफ्ते की कोई ट्रेनिंग अटेंड कर सकता हूं, मैं और मेरी टीम कोई ट्रेनिंग कर सकते हैं, या फिर कुछ ट्रेनिंग हम कोई ट्रेनिंग कर लिया, कोई कोर्स ले लिया, सेमिनार ले लिया, या फिर दूसरे एक्सपर्ट से जाकर एडवाइजरी ले ली, ये सब तरीके से हम समझ सकते हैं चीजों को, ठीक है। स्टेप नंबर थ्री है इवैल्यूएटिंग द वर्क ऑफ एक्सपर्ट। स्टेप नंबर थ्री इज इवैल्यूएटिंग वर्क ऑफ एक्सपर्ट। तो फाइनली स्टेप नंबर थ्री में क्या होगा, हम उसकी रिपोर्ट लेकर बैठेंगे और उसकी फाइलें लेकर बैठेंगे, ठीक है। एग्जांपल लेता हूं मैं, सपोज एक एक्चुअरी है, मैंने आपको बोला फ्यूचरिस्टिक चीजों को लेकर जब आपको एस्टिमेशंस करने होते हैं, कैलकुलेशंस करने होते हैं, तो एक्चुअरीज आर बेस्ट। जैसे किसी इंश्योरेंस पॉलिसी में कितना नुकसान हो सकता है, इसका अंदाजा एक्चुअरी लगाते हैं, और उसके बेसिस पे कितना प्रीमियम चार्ज करना चाहिए ये एक्चुअरी बताते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अपन एग्जाम लेते हैं, प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी लेते हैं, ठीक है। सपोज कंपनी की पॉलिसी है 1 month salary will be given for each year completed, ठीक है, at the time of retirement as per last drawn salary। मतलब अगर सपोज 10 साल हो गए तो रिटायरमेंट पे 10 महीने की सैलरी एक साथ मिलेगी, आखिरी जो सैलरी है उसके हिसाब से। अब एक्चुअली को अंदाजा लगाना पड़ेगा, एक्चुअली को डेटा लेना पड़ेगा, कंपनी में आज के डेट में 10,000 एम्प्लॉयज है, इसमें से कितने एम्प्लॉयज ग्रेचुटी के लिए एलिजिबल होंगे उसका अंदाजा लगाना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद जब ये रिटायर होंगे, ये रिटायर कब होंगे वो अंदाजा लगाना पड़ेगा,
रिटायरमेंट के वक्त उनकी सैलरी क्या होगी उसका अंदाजा लगाना पड़ेगा, हर साल सैलरी क्या रेट से ग्रो होगी वो अजम्पशन लेना पड़ेगा कि भाई हर साल 10% से बढ़ेगी, 15% से बढ़ेगी, 20% से बढ़ेगी, उसका अंदाजा लगाना पड़ेगा। लास्ट ड्रॉन सैलरी कितना है उसका अंदाजा लगाना पड़ेगा, तो कितने एम्प्लॉयज एलिजिबल होंगे, फिर उसमें से एम्प्लॉयज की लास्ट ड्रॉन सैलरी क्या होगी, करेक्ट, टोटल कितना हमको ग्रेचुटी देना पड़ेगा वो अंदाजा लगाना पड़ता है, फिर उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ता है, प्रेजेंट वैल्यू, हाँ प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ता है कि भाई, और जो प्रेजेंट वैल्यू है उसका डिस्काउंटिंग रेट लेना पड़ता है, फिर जो उसकी प्रेजेंट वैल्यू की जितना मुझे ग्रेचुटी में पेमेंट करना पड़ेगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ती है, और उतना प्रोविजन बुक करना पड़ता है, दैट इज प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी। लंबा चौड़ा काम है, बहुत सारा डेटा, बहुत सारे अजम्पशंस, और ये जो मैंने अभी मेथड आपको बताई AS15 की मेथड है, ये AS15 की मेथड है, ठीक है, PUC मेथड बोलते, प्रोजेक्ट यूनिट क्रेडिट मेथड। अंदाजा लगाओ कितना पेमेंट करना पड़ेगा, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालो, और एक चीज बोलना रह गया, पूरा खर्चा इमीडिएटली नहीं, उसको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बंदा जितने साल मेहनत करेगा, जितने साल मेहनत करेगा उसमें उसको हम लोग धीरे धीरे करके राइट ऑफ करते, बुक करते धीरे धीरे, ठीक है। तो आपको इवैल्यूएट करना पड़ेगा, आपको इवैल्यूएट करना पड़ेगा, ठीक है, एक्सपर्ट्स वर्क, एक्सपर्ट वर्क इवैल्यूएशन में कॉमन सेंस है, हर एक्सपर्ट कोई ना कोई डेटा यूज करता है, जैसे यहां पे मैंने आपको ग्रेचुटी का एग्जांपल लिया, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज लगेंगे, उनकी प्रेजेंट सैलरी लगेगी, उनकी प्रेजेंट एज लगेगी, ठीक है, उनके क्वालिफिकेशन लग सकते हैं, उनका रिटायरमेंट एज क्या है वो लगेगा, बहुत सारा डेटा लगेगा। तो ऑडिटर ने देखना चाहिए कि एक्सपर्ट ने जो डेटा यूज किया, इज इट कंप्लीट, इज इट एक्यूरेट, इज इट रेलेवेंट, कंप्लीट है क्या, एक्यूरेट है क्या, जिस साल का कैलकुलेशन हो रहा है उस साल का डेटा चाहिए, ना पिछले साल का चाहिए, ना अगले साल का एस्टिमेटेड चाहिए, उसी साल का चाहिए, तो उसको रेलेवेंट बोलते हैं। जिस कंपनी की बात कर रहे, होल्डिंग कंपनी की बात कर रहे, तो होल्डिंग कंपनी का ही डेटा चाहिए, ना सब्सिडरी का चाहिए, ना किसी और का चाहिए। तो आप देखिए डेटा कंप्लीट, एक्यूरेट, रेलेवेंट है ना। अजम्पशंस, आपको सैलरी क्या रेट से ग्रो करेगी, अजम्पशन, इन्फ्लेशन क्या होगा, अजम्पशन, इंटरेस्ट रेट क्या होगा, अजम्पशन, टैक्स का रेट क्या होगा, अजम्पशंस, कई प्रकार के अजम्पशन लगेंगे, आपको मेथड लगेगा, ये रेलेवेंट होने चाहिए, मतलब इस इंडस्ट्री को, ठीक है, इस इंडस्ट्री को, इस कंपनी को सूट करने वाले, उनके उनसे कनेक्टेड रेलेवेंट चाहिए अजम्पशंस एंड मेथड, रीजनेबल चाहिए, रियलिस्टिक चाहिए, ठीक है। उनकी रिपोर्ट्स आपको मिलेगी, पढ़िए रिपोर्ट, रेलेवेंट, आपके बैलेंस शीट PNL में जितने भी आइटम है वो रिपोर्ट में दिखने चाहिए कि प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी इतना होना चाहिए, इस साल PNL में इतना डेबिट होना चाहिए, नोट्स टू अकाउंट्स की डिटेल सब दिखना चाहिए रिपोर्ट में। जब सभी चीजें कवर्ड हो कि भाई बैलेंस शीट में क्या दिखना चाहिए, PNL में क्या दिखना चाहिए, नोट्स टू अकाउंट्स में क्या दिखना चाहिए, तभी तो रिपोर्ट हमारे काम की हुई, रेलेवेंट हुई। देखो ऐसे एक वर्ड मतलब कॉमन सेंस से मतलब निकालो, रीजनेबल प्लस माइनस 5% चलता है, प्लस माइनस 50% नहीं चलेगा, और कोई और एविडेंस है उससे कंसिस्टेंट होना चाहिए। सपोज ग्रेचुटी का कोई सॉफ्टवेयर भी था, आपने सॉफ्टवेयर से भी निकाला, उसके नजदीक आ रहा है क्या, तो भाई मैनेजमेंट एक्सपर्ट की रिपोर्ट यूज करना है, ब्लाइंड रिलायंस नहीं कर सकते, तीन स्टेप का प्रोसेस है। स्टेप नंबर 1 CCO, कॉम्पिटेंस कैपेबिलिटी ऑब्जेक्टिव, स्टेप नंबर 2 अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग फील्ड ऑफ एक्सपर्ट, एक्सपर्ट की फील्ड को आप समझो। स्टेप नंबर 3 उसका काम इवैल्यूएट करो, हमेशा डेटा कंप्लीट एक्यूरेट रिलेवेंट होना चाहिए, अजम्पशन मेथड रिलेवेंट रिलायबल होने चाहिए, रीजनेबल होने चाहिए, रिपोर्ट्स और जो कंक्लूजन है ये भी काम के हो, रीजनेबल हो, बहुत बढ़िया। तीन स्टेप लगाइए, खुश रहिए, तीन स्टेप अगर आप लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा
कि मैनेजमेंट एक्सपर्ट पे भरोसा करे या ना करे। ठीक है, आई होप आपके दिमाग में एब्सोल्यूट क्लैरिटी है, दिस एब्सोल्यूट क्लैरिटी विथ रिस्पेक्ट टू दिस। आइए, एनटीई नेचर टाइमिंग एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर व्हेन मैनेजमेंट एक्सपर्ट इज इन्वॉल्व। एनटीई नेचर ऑफ चेकिंग मतलब ऑब्जर्वेशन करेंगे कि इंस्पेक्शन करेंगे कि रिकम्प्यूटेशन करेंगे कि रिकैलकुलेशन करेंगे, दैट इज नेचर। टाइमिंग मंथली बेस पे चेकिंग करेंगे कि क्वार्टरली बेस करेंगे, दैट इज टाइमिंग। एक्सटेंट, ठीक है, कितने सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे, कितने सारे डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, दैट इज एक्सटेंट, दैट इज एक्सटेंट ऑफ चेकिंग। ओके, नाउ लिसन, नाउ अब यहां पे ये आपको दिखेगा ऑडिट में, मेहनत कम करनी है कि ज्यादा करनी है, कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है? कम करे कि ज्यादा करे, कम करे कि ज्यादा करे, कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है? इसमें सीक्रेट टू सक्सेस क्या है? इसमें सीक्रेट टू सक्सेस है, इसमें सीक्रेट टू सक्सेस है कि आप, ठीक है, इसमें देखो, किसी ने डाउट पूछा है, पहली बार तो एग्जाम ओरिएंटेड। देखिए, मैंने पहले लेक्चर में ये समझाया है, आप पहला लेक्चर देखिए, ठीक है, फर्स्ट लेक्चर देखिए, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा फर्स्ट लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर आप देखिए, उसमें आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर अगर बच्चा बच्चा नॉलेजेबल है, मैच्योर्ड है, थ्योरी में अच्छा है, तो मुझे लगता है वो ग्रास्प कर लेगा। ठीक है, लेकिन बच्चा कितना स्ट्रांग है थ्योरी में, उस पर डिपेंड करता है। पहला लेक्चर देखिए, सब समझ में आ गया। पहला लेक्चर अगर आपको समझ में आ जाएगा, तो फिर आपको बाकी लेक्चर भी समझ में आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। फर्स्ट लेक्चर जाकर देखिए, ठीक है। ओके, नाउ आइए, तो फैक्टर्स बहुत जगह आ जाते हैं, तो इसमें पहला सीक्रेट है, आप ग्रुपिंग करिए। ग्रुपिंग, जैसे मैंने कुछ फैक्टर्स को ऑडिट ऑडिटर ऑडिट मैटर रिलेटेड, मतलब मुद्दा जिस चीज मैटर रिलेटेड, मतलब क्या सर? जो आपका एरिया है जहां पे एक्सपर्ट काम कर रहा है, वो जो मैटर है, वो मैटर कैसा है, और कुछ एक्सपर्ट रिलेटेड, ऐसे मैंने दो ग्रुप कर दिए। हमेशा मेमोरी में खास बात है, एकदम से याद नहीं होता है। मेमोरी में खास बात है, पूरे पॉइंट्स याद नहीं होते, अगर आप उसकी ग्रुपिंग कर दो, अगर आप उसकी ग्रुपिंग कर दो ना, तो याद रखना आसान होता है। अब मैंने क्या किया, एक्सपर्ट जिस चीज पे काम कर रहा है वो मैटर कैसा है, उसके तीन पॉइंट है, और एक्सपर्ट से रिलेटेड तीन पॉइंट है। आइए, तीन पॉइंट मैटर के। एन आर ए, एन स्टैंड फॉर एन आर ए, ठीक है, एन स्टैंड फॉर नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द मैटर। एक्सपर्ट जिस मैटर पे काम कर रहा है, इफ द नेचर ऑफ द मैटर इज वेरी कॉम्प्लेक्स, बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस है, बहुत ज्यादा अजम्पशंस है, ठीक है, इक्वेशंस है, इफ द नेचर ऑफ द आइटम इज वेरी कॉम्प्लेक्स, बहुत डेप्थ है, बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है, तो कॉमन सेंस है, हमको हमको नेचर टाइमिंग एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स ज्यादा रखनी पड़ेगी। वी हैव टू कीप एनटीई मोर। जब हम लोग मैनेजमेंट एक्सपर्ट की रिपोर्ट पढ़ रहे हैं, मैनेजमेंट एक्सपर्ट की रिपोर्ट, उसके डॉक्यूमेंट्स देख रहे हैं, तो एनटीई ज्यादा लगाना पड़ेगा। आर स्टैंड फॉर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, जितना उस एरिया में जितनी ज्यादा रिस्क है, उतना हमको एनटीई ज्यादा लगाना पड़ेगा। ऑल्टरनेटिव एविडेंस, क्या चेक करने के लिए हमारे पास में ऑल्टरनेटिव एविडेंस है क्या? ऑल्टरनेटिव कोई और तरीका है क्या? कोई और तरीका नहीं है,
यही एक रास्ता है, तो फिर हम लोगों को मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, फिर आपका मैनेजमेंट एक्सपर्ट रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है। ओरी, ओरी आपने आजकल नाम सुना होगा, ओरी द सेलिब्रिटी, ओरी सेलिब्रिटी, एक्सपर्ट्स ऑब्जेक्टिव्स। एक्सपर्ट ने जो काम किया, एक्सपर्ट ने जो काम किया, एक्सपर्ट की जो प्रोसेस थी, ठीक है, नेचर स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स, एक्सपर्ट ने जो जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट है उसने जो काम किया है, नेचर स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स वर्क, उसने जितने सारे, यहां पे ऑब्जेक्टिव का मतलब है, यहां पे ऑब्जेक्टिव का मतलब है उसने क्या क्या चीजें कवर की, क्या क्या टारगेट्स एम गोल्स कवर किए। अगर उसने बहुत सारी चीजें कवर की है, उसने द नेचर स्कोप एंड अगर उसने बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव किए, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स उसने कवर किए, जितना ज्यादा उसका कवरेज होगा, जितनी ज्यादा उसकी चेकिंग होगी, उतनी हमको मेहनत, ठीक है, कम करनी पड़ती है। अगर उसने बहुत अच्छे से चीजों को कवर नहीं किया है, नेचर अगर उसने कवर नहीं किया है करेक्ट, तो हमको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, चेकिंग ज्यादा करनी पड़ेगी। एक्सपर्ट्स ओरी देन आर स्टैंड फॉर प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट्स। क्या उसने कोई प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट्स मतलब कोई प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉलो किए क्या? अगर उसने प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं किए कोई, तो हमको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। लेकिन अगर उसने कोई बहुत वेल रिकॉग्नाइज किसी इंस्टीट्यूट के स्टैंडर्ड्स यूज किए कैलकुलेशंस के लिए, काम करने के लिए, तो भरोसा ज्यादा होता है, हमको मेहनत कम करनी पड़ेगी, ठीक है। वंस अगेन, ऑब्जेक्टिव्स, एक्सपर्ट के कॉन्ट्रैक्ट में, मैनेजमेंट एक्सपर्ट के कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है, हिज ऑब्जेक्टिव्स, नेचर ऑफ चेकिंग, स्कोप ऑफ चेकिंग, जितनी जितनी ज्यादा होगी, जितनी डिटेल्ड होगी, एलैबोरेटेड होगी, जितनी ज्यादा मेहनत उसने की है, हमको जितना काम वो कर लेगा, मुझे मेहनत कम करनी पड़ेगी। देन रिक्वायरमेंट्स, जितने प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स वो फॉलो करेगा काम करने के लिए, हमको मेहनत कम करनी पड़ेगी, एनटी कम करना पड़ेगा, ठीक है। आई स्टैंड फॉर मैनेजमेंट्स इन्फ्लुएंस। दूर दूर तक मैनेजमेंट के साथ कोई पर्सनल रिलेशनशिप नहीं है, कोई पर्सनल रिलेशनशिप नहीं है, बिजनेस रिलेशनशिप नहीं है, फाइनेंशियल रिलेशनशिप नहीं है, हम निश्चिंत है, हमको मेहनत कम करनी पड़ेगी, ठीक है। देन एम्प्लॉयमेंट, अगर बंदा मैनेजमेंट का एम्प्लॉय नहीं है, बाहर से एक फर्म को अपॉइंट किया था उसको काम करने के लिए, हमको वापस मेहनत कम करनी पड़ेगी, ठीक है। सेलिब्रिटी, कंट्रोल ओवर एक्सपर्ट, मैनेजमेंट ने एक मैनेजर को बिठाया था, मैनेजमेंट ने एक उनके मैनेजर को बिठाया था कि तू एक्सपर्ट जितना काम कर रहा है उसको ऑब्जर्व करता रहे, और उसका काम खत्म हो जाएगा तो रिव्यू करता रहे, देखता रहे, जब एक का काम खत्म हुआ दूसरा चेक कर उसको दे रिव्यू, तो रिव्यू करता रहे। स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल्स है मैनेजमेंट के एक्सपर्ट पे, हमको मेहनत कम करनी पड़ेगी। जितने ऑब्जेक्टिव्स उसके ज्यादा होंगे, जितना कवरेज ज्यादा होगा, मेहनत कम करनी पड़ेगी। जितने रिक्वायर प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट्स फॉलो करेगा, हमको मेहनत कम करनी पड़ेगी। मैनेजमेंट का इन्फ्लुएंस जितना कम होगा, बहुत बढ़िया, हमको मेहनत कम करनी पड़ेगी। एम्प्लॉयमेंट में नहीं होगा, बाहर से आया, मेहनत कम करनी पड़ेगी। कंट्रोल स्ट्रांग होंगे, हमको मेहनत कम करनी पड़ेगी। फिर ऑडिट रिलेटेड, ऑडिटर का नॉलेज, ऑडिट ऑडिट टीम को बहुत अच्छा नॉलेज है उस फील्ड का, एक्चुअली का बहुत अच्छा नॉलेज है, मेहनत कम करनी पड़ेगी। हमको प्रीवियस एक्सपीरियंस है उस एक्सपर्ट के साथ काम करने का, मेहनत कम करनी पड़ेगी। आई होप आपके दिमाग में एब्सोल्यूट क्लैरिटी है, एब्सोल्यूट क्लैरिटी है, ठीक है, आपके सिंपल्स है। अगर मैनेजमेंट एक्सपर्ट यूज कर रहे हैं तो मेहनत कम करनी पड़ेगी कि मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है, कम करनी पड़ेगी, ज्यादा करनी पड़ेगी, डिपेंड करता है बहुत सिंपल इन चीजों के ऊपर, बहुत सिंपल से चीजों के ऊपर, ठीक है। मैटर रिलेटेड एनआरए,
जितना नेचर कॉम्प्लेक्स होगा, जितना कॉम्प्लेक्सिटी होगा, जितना एग्जॉस्टिव होगा, डेप्थ होगा, ठीक है, मेहनत ज्यादा, रिस्क जितनी ज्यादा होगी मेहनत ज्यादा, ऑल्टरनेटिव एविडेंस अवेलेबल नहीं होंगे मेहनत ज्यादा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स जितने इसके वीक होंगे कम कवरेज होंगी हमारी मेहनत ज्यादा, जितना रिक्वायरमेंट्स अगर फॉलो नहीं करेगा हमारी मेहनत ज्यादा, मैनेजमेंट का अगर इन्फ्लुएंस है हमारी मेहनत ज्यादा, ठीक है, एक्सपर्ट्स एक्सपर्ट्स का एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉय है हमारी मेहनत ज्यादा, कंट्रोल्स नहीं है हमारी मेहनत ज्यादा, ठीक है, ऑडिटर की टीम को नॉलेज नहीं उस फील्ड का मेहनत ज्यादा, प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं मेहनत ज्यादा। कुछ लोग इसमें आखिरी में चीज लिखी भी नहीं हो सकती, पॉज करके आप ये आखिरी में लिख लेना, ठीक है, हो सकता है लिखी भी ना हो, नहीं होगी, इनफैक्ट नहीं होगी, आप पॉज करके लिख लीजिए उसको, ठीक है। नाउ सो गाइज, और जैसे मैं बता रहा था एनएमआरसी आपको हर जगह पे नेचर ऑफ द आइटम मिलेगा, ठीक है, नेचर ऑफ द आइटम, कॉम्प्लेक्सिटी, हर जगह पे आपको मटरिटी मिलता है, हर जगह पे आपको रिस्क मिलता है, हर जगह पे आपको कंट्रोल मिलता है, इस सब्जेक्ट का फीचर है दोस्तों। एक बार आपको पहली बार समझना पड़ता है, उसके बाद में चीजें रिपीटेटिव आपको लगेगी, इसीलिए हमारे ऑडियोस काम आएंगे। जितना आप ऑडियो सुनते जाओगे हर टॉपिक का एक अलग इमेज आपके दिमाग में बैठेगा। और मैं आपको बता दूं पहले दिन से हम रिवाइज कैसे करेंगे वो दिमाग पर लेकर चलिए। नाउ इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड बाय एंटिटी टू बी यूज्ड एज ऑडिट एविडेंस, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, बहुत सिंपल सी, बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात कर रहे हैं ये लोग। बोल रहे हैं कि अगर कंपनी के अंदर का कोई डॉक्यूमेंट, कोई इंफॉर्मेशन हम एज अ ऑडिट एविडेंस अपनी फाइल में रखना चाहते हैं तो यू शुड बी केयरफुल। इफ एनी इंफॉर्मेशन इज जनरेटेड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, और अगर आप उसको अपने ऑडिट फाइलों में एज अ एविडेंस रखना चाहते हो, आप उसको रख सकते हो ओनली व्हेन दैट इंफॉर्मेशन इज रेलेवेंट, जब वो आपके काम की हो, मतलब जिस असर्शन में आपको डाउट था, असर्शन लेवल रिस्क थी, उस असर्शन को कवर करता हो और वो रेलेवेंट और रिलायबल हो, ठीक है। फर्दर अगर आप एनी इन जनरल कोई भी इंफॉर्मेशन को अगर आपके कोई भी इंफॉर्मेशन को अगर आप आपके फाइलों में रखना चाहते हो एज अ ऑडिट एविडेंस, तभी रखिए जब वो रिलायबल हो और रेलेवेंट हो, उसके बिना कभी मत रखिए। और अगर कंपनी के अंदर से आ रही इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस विद द एंटिटी तो एपीसीडी होना चाहिए। सर एपीसीडी क्या होता है, पहली बार निमोनिक यूज किया मैंने, ठीक है, इतने क्रूशियल सेंड में पहली बार निमोनिक यूज किया है हमने, नहीं पहले पहले भी एमआरपी भी है तो सॉरी एपीसीडी, इंफॉर्मेशन एक्यूरेट है ना चेक कर लो, प्रिसाइज, कभी कभी रेंज होता है, समटाइम्स देयर इज अ रेंज, एक रेंज में होती है इंफॉर्मेशन, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज होते हैं, मिनिमम वैल्यू होता है और मैक्सिमम वैल्यू होता है, तो वो प्रिसाइज होनी चाहिए। जैसे फॉर हमने बोला प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना है, बोले 5 लाख से लेके 50 करोड़। भाई 5 लाख से 50 करोड़, 5 लाख से 50 करोड़, ये बहुत ज्यादा हो गया है, बहुत ही ज्यादा हो गया, इट इज टू हाई, इट इज टू हाई, इट इज टू मच, इट इज टू हाई, इट इज टू मच, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि लेक्चर्स अपडेट हो जाएंगे, अभी तो YouTube पे अवेलेबल है आपके पास में, अभी YouTube पे आपके पास में अवेलेबल है, तो मैं आप लोगों को बोलूंगा कि YouTube पे जो अवेलेबल है वो YouTube पे जो अवेलेबल है वो आप देख लीजिए, VSmart ऐप पे भी अपडेट हो जाएंगे, ठीक है। अगर
सर इन्वेंट्री वैल्यू जो बैंक को देते हैं लोन के लिए, वो एक्सपर्ट रिपोर्ट है क्या? किसने बनाया है? अगर किसी इंजीनियर ने बनाया है, अगर किसी इंजीनियर ने, कोई स्पेशलाइज नॉलेज वाले बंदे ने उसको बनाया है, तो वो एक्सपर्ट का रिपोर्ट होगा। ठीक है, कम बैक प्रिसाइज। कोई इंफॉर्मेशन रेंज में हो तो वो रेंज नैरो होनी चाहिए। 5 लाख से 50 करोड़ बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, 45 लाख से 50 लाख समझ में आता है, 45 लाख से 50 लाख समझ में आता है, उसको हम लोग प्रिसाइज बोलेंगे। दैट विल बी कॉल्ड एज प्रिसाइज, उसको प्रिसाइज बोलेंगे। फिर सी फॉर इंफॉर्मेशन कंप्लीट होनी चाहिए, कुछ छूटे नहीं, डिटेल्ड होनी चाहिए, डिटेल्ड होनी चाहिए। डिटेल्ड मतलब क्या? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे जो सेल्स है, सिर्फ मंथली सेल्स कितने, उससे काम नहीं बनेगा ना। मंथली सेल में और ब्रेकअप चाहिए, प्रोडक्ट वाइज कितना है हमको, प्रोडक्ट के अंदर भी और ब्रेकअप चाहिए कि ब्रांच वाइज कितना है, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहिए। सिर्फ मंथली सेल का क्या करेंगे? आपको प्रोडक्ट वाइज बांटना पड़ेगा भाई, ब्रांच वाइज बांटना पड़ेगा एनालिसिस के लिए। तो किसी भी इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट को अगर आप ऑडिट एविडेंस बनाना चाहते हो, तो जनरल रूल है दैट इंफॉर्मेशन शुड बी रेलेवेंट एंड रिलायबल। और अगर वो ऐसी इंफॉर्मेशन है विच इज प्रोड्यूस्ड विद इन द एंटिटी, तो आपने एपीसीडी चेक करना चाहिए, एक्यूरेट, प्रिसाइज, कंप्लीट और डिटेल्ड होना चाहिए। ठीक है, आई होप आपके दिमाग में क्लैरिटी हो इसको लेकर। गाइज मस्त रहिए, मस्त रहिए एकदम। ठीक है, आपको मस्त रहना बहुत जरूरी है। सर मस्त रहना मतलब क्या? ठीक है, मस्त रहना मतलब क्या सर? देखिए मस्त रहना, मैं आपको रामबाण उपाय दे रहा हूं। बहुत सी बार हम खुद से दुखी होते हैं, जो हम करना चाहते हैं वैसा हम नहीं करते। ठीक है, आप एक सिंपल सवाल पूछिए खुद से कि इस मोमेंट ऑफ टाइम पे मैंने क्या करना चाहिए। हो सकता है यार रात हो चुकी है, सो जाना चाहिए, सुबह हो गई, उठ के थोड़ा सा एक्सरसाइज करना चाहिए, फिर फटाफट क्लास के लिए रेडी हो जाना चाहिए, क्लास अटेंड करना चाहिए भरपूर, क्लास को बहुत अच्छे समझना चाहिए, मार्किंग करनी चाहिए, पीसफुली खाना खाना चाहिए, शांति से, शांति के साथ आराम से खाना खाना चाहिए, घर वालों से बात करनी चाहिए, उनसे कम्युनिकेशन करना चाहिए ताकि मन हल्का हो। ठीक है, अच्छे से बात करनी चाहिए मुस्कुरा के। तो आप स्टेप नंबर वन, एक मैजिकल आपको बता रहा हूं, मैजिकल अप्रोच। स्टेप नंबर वन पता करिए आपने क्या करना चाहिए। स्टेप नंबर टू, ठीक है, आप इंग्लिश या हिंदी में आई एम एंजॉइंग, जो भी आपने स्टेप नंबर वन में मिला, आई एम एंजॉइंग एक्सरसाइज, अरे एक्सरसाइज में बहुत मजा आ रहा है, एक्सरसाइज में बहुत मजा आ रहा है, एक्सरसाइज में बहुत मजा आ रहा है। ठीक है, मेडिटेशन में बहुत मजा आ रहा है, मेडिटेशन में बहुत मजा आ रहा है भाई, क्लास करने में बहुत मजा आ रहा है, 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 बहुत मजा आ रहा है। बैक ऑफ द माइंड चलने दीजिए। अब मैं आपको बता रहा हूं, आपका मेहनत करने का तरीका एफर्टलेस हो जाएगा, आपका जो मेहनत करने का तरीका है वो एफर्टलेस हो जाएगा, बहुत प्यारा हो जाएगा, जोरदार हो जाएगा। ठीक है, एफर्टलेस तरीके से आप मेहनत करोगे, बहुत आसानी से मेहनत करोगे, प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ जाएगी और मुस्कुराते हुए करोगे। ठीक है, नाउ तो वो आप फॉलो करिए। देखो बीच में थोड़ा बहुत ज्ञान बहुत जरूरी होता है। नाउ बेटा यूट्यूब के ऊपर लिमिटेड लेक्चर्स रहेंगे 3 से 5, बाकी फिर वी स्मार्ट के ऐप पे चलेंगे, रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स के लिए रहेंगे वो लेक्चर्स। ओके।
आइए नाउ, इनकंसिस्टेंसी और डाउट ओवर रिलायबिलिटी, कभी कभी आपको आपको इनकंसिस्टेंसी नजर आएगी जब एक एविडेंस दूसरे एविडेंस से मैच ना हो, उसको इनकंसिस्टेंसी बोलते हैं। आपको इनकंसिस्टेंसी नजर आएगी या फिर आपको डाउट आएगा ऑन रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, जम्मू कश्मीर में आपकी एक ब्रांच है और वहां पे आपको 5 करोड़ का स्टॉक दिख रहा है, 5 करोड़ का स्टॉक। ऐसा हो ही नहीं सकता, इतना स्टॉक वहां कैसे चला गया? तो डाउट हो सकता है, या फिर वो 5 करोड़ का स्टॉक है और जो 5 करोड़ का स्टॉक है सिस्टम में दिख रहा है, इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट में कुछ और ही दिख रहा है, इंश्योरेंस के डॉक्यूमेंट में कुछ और ही दिख रहा है, इनकंसिस्टेंसी नजर आ रही है। कभी कभी आपको इंफॉर्मेशन पे डाउट आएगा, बहुत अजीबोगरीब अनरीजनेबल लग रही है या फिर इनकंसिस्टेंसी, क्या करेंगे? अरे भाई, मतलब आपके मन में शक पैदा हो रहा है, अगर आपको डाउट लग रहा है या फिर चीजें मिसमैच है, भाई अलर्ट हो जाओ, फैल जाओ, चौड़ में आ जाओ, मॉडिफाई करो ऑडिट प्रोसीजर्स, मतलब चेंज करो ऑडिट प्रोसेस को, बढ़ा दो, मुझे कंपनी के लोगों की इसके ऊपर रिपोर्ट चाहिए, मुझे इसके और प्रिंटआउट चाहिए, मुझे इसके और डिटेल चाहिए, मुझे इसके और एक्सप्लेनेशन चाहिए, मैं खुद जाकर जम्मू एंड कश्मीर की ब्रांच को विजिट करना चाहता हूं, 5 करोड़ के स्टॉक को अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। मॉडिफाई ऑडिट प्रोसीजर, इंक्रीज नेचर टाइमिंग एक्सटेंड ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, बढ़ा दीजिए और मैटर को रिजॉल्व करिए, कौन सही है कौन गलत है, बहुत सिंपल। ठीक है, और अगर मुझे कुछ गलती मिलती है, फॉर एग्जाम्पल गलती मिली, तो गलती क्यों ही वो समझो और सोचो क्या और ब्रांच में ऐसी गलती हो सकती है, या फिर ये सोचो यार ये जम्मू कश्मीर के ब्रांच में और प्रॉब्लम हो सकते हैं क्या। देखो, डाउट आना, इनकंसिस्टेंसी मिलना एक एक प्रकार का हिंट है, एक प्रकार का हिंट है, एक प्रकार का सुराग है, एक प्रकार का क्लू है, उससे आपको उस एरिया की गलती भी मिल सकती है और आपको और गलतियां भी मिल सकती है। तो जब भी डाउट या इनकंसिस्टेंसी हो, मॉडिफाई करो। आप क्या बताएंगे? आप पहले सिचुएशन समझाएंगे, सिचुएशन, डाउट या इनकंसिस्टेंसी, क्या करना पड़ेगा? मॉडिफिकेशन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, और रिजॉल्व करने की कोशिश करनी पड़ेगी और सोचना पड़ेगा दूसरे एरिया में इफेक्ट है क्या। ठीक है, एसएमई, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, एसएमई, ऐसे आपके दिमाग में तीन पॉइंट पे बात करनी पड़ेगी। जब आपको इस लेवल का आपको नॉलेज आने लग जाए, इस लेवल पे आप जाने लग जाए, तो बात बन जाएगी भाई। ठीक है, आइए नाउ आखिरी चीज हम लोग देख रहे हैं, सेकेंड लास्ट थिंग इनफैक्ट, आइए, सिलेक्टिंग आइटम्स फॉर टेस्टिंग टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस। मतलब क्या सर? कंपनी में इतने सारे फाइनेंशियल आइटम्स है, कंपनी के अंदर इतने सारे फाइनेंशियल, हर फाइनेंशियल आइटम में इतने सारे ट्रांजैक्शंस है, इतने सारे बैलेंसेस है, इतने सारे डिस्क्लोजर्स है, हम सबको तो ऑडिट एविडेंस में नहीं ले सकते ना, सारे परचेस इनवॉइस तो एविडेंस में नहीं ले सकते ना, सारे सेल्स की इनवॉइस तो नहीं ले सकते ना, सारी सैलरी स्लिप्स तो हम नहीं ले सकते ना, सारी चीजों को एविडेंस तो हम नहीं बना सकते ना, सारी चीजों को एविडेंस तो हम नहीं बना सकते ना, वी कैन नॉट डू दैट।
सारी चीजों को एविडेंस हम कैसे बनाएंगे? तो हमको सिलेक्ट करनी पड़ती है, हमको सिलेक्ट करना पड़ता है कुछ सेल्स ट्रांजैक्शंस को, कुछ परचेस ट्रांजैक्शंस को, कुछ डेटर्स को, कुछ क्रेडिटर्स को चेकिंग के लिए, ताकि उसको चेक करके वो ऑडिट एविडेंस हम हमारे फाइल में रखें। आप सभी फाइनेंशियल आइटम को सिलेक्ट नहीं कर सकते ऑडिट एविडेंस के लिए, एग्जामिनेशन के लिए आपको सिलेक्शन करना पड़ता है। सिलेक्शन करने के लिए हमारे पास में तीन अप्रोचेस अवेलेबल है, तीन अप्रोचेस अवेलेबल है, सिलेक्टिंग ऑल आइटम्स, सिलेक्टिंग ऑल आइटम्स 100% एग्जामिनेशन, ये एक अप्रोच हमारे पास में अवेलेबल है, सिलेक्टिंग स्पेसिफिक आइटम्स, ये एक हमारे पास में अप्रोच अवेलेबल है, और ऑडिट सैंपलिंग। ठीक है, सबसे पहले हम किसी इनमें से एक या इसका कॉम्बिनेशन भी लगा सकते हैं, एक ही करके देखते हैं। सबसे पहला सिलेक्टिंग ऑल आइटम्स, हम कुछ फाइनेंशियल आइटम्स में सारे के सारे जितने भी आइटम्स है सबको सिलेक्ट कर सकते हैं, सबको सिलेक्ट कर सकते हैं और 100% एग्जामिनेशन कर सकते हैं। ठीक है, 100% सभी आइटम को सिलेक्ट कर लिया, फिर वो टेस्ट ऑफ कंट्रोल हम परफॉर्म कर रहे हो या टेस्ट ऑफ डिटेल परफॉर्म कर रहे हो, ऐसा कर सकते हैं। सर कुछ एग्जांपल्स बताइए कहां पे ऐसा कर सकते हैं। स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज वैल्यू आइटम्स, स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज वैल्यू आइटम्स। ठीक है, आपने इस साल पांच बड़े बड़े एक्सपोर्ट किए, अब पांच में अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो क्या कर रहे हो? स्मॉल वैल्यू लार्ज, स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज वैल्यू आइटम है, पूरे सिलेक्ट कर लो एक्सपोर्ट। आपने इस बार तीन प्रॉपर्टी खरीदी है, उसमें क्या अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो कर रहे हो? पूरे सिलेक्ट कर लो, स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज वैल्यू आइटम्स। एग्जाम्पल ध्यान में रखो, आप एक्सपोर्ट की मैंने बात की, मैंने कुछ प्रॉपर्टी परचेज की उसकी बात की। ठीक है, सिग्निफिकेंट रिस्क, बहुत बड़ी रिस्क इन्वॉल्व, कुछ ऐसे आइटम्स है जहां पे बहुत बड़ी रिस्क इन्वॉल्व। अगर बहुत बड़ी रिस्क इन्वॉल्व है तो जहां पर भी बहुत बड़ी रिस्क है सारे आइटम चेक कर लो। फॉर एग्जाम्पल, मुंबई के ब्रांच में फ्रॉड मिला है, बहुत बड़ा फ्रॉड मिला है। ठीक है, और भी फ्रॉड हो सकते हैं, और भी बड़ी बड़ी गड़बड़ हो सकती है, उस ब्रांच के 100% चेकिंग कर डालो, पूरा का पूरा चेकिंग कर डालो, सिग्निफिकेंट रिस्क है वहां पे। तो जिस एरिया में जहां पे सिग्निफिकेंट रिस्क होगी वहां पे 100% चेकिंग कर सकते हो। कभी कभी आपको ऐसा लगता है 100% चेकिंग विल बी कॉस्ट इफेक्टिव, क्या बात कर रहे हो सर, 100% चेकिंग कॉस्ट इफेक्टिव? जहां पर भी ऑटोमेटेड, जहां पर भी ऑटोमेशन है, ऑटोमेटेड ऑडिट प्रोसीजर्स अवेलेबल है, ठीक है, वहां पर 100% एग्जामिनेशन कैन बी कॉस्ट इफेक्टिव, 100% एग्जामिनेशन कैन बी कॉस्ट इफेक्टिव। कैसे 100% एग्जामिनेशन कैन बी कॉस्ट इफेक्टिव? चलिए मैं आपको बताऊं, फॉर एग्जाम्पल हम डेप्रिसिएशन चेक कर रहे हैं, कंपनी के 5000 आइटम है, 5000 आइटम में से अगर मैं सपोज 20 आइटम पहले चुनूं, 20 आइटम का डेट ऑफ एक्विजिशन, यूजफुल लाइफ, रेसिडुअल वैल्यू सब कुछ निकालूं, कितने साल यूज हो गए, फिर मैं इस साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करूं 20 आइटम्स के लिए, भाई साहब 20 आइटम को चुनना, चुनने के बाद सबका एक एक डेटा लेने के बाद में एक एक का कैलकुलेशन करना, और बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। उससे अच्छा तो एक काम करता हूं, फिक्स एसेट का एक रजिस्टर है जिसमें, और वो भी इलेक्ट्रॉनिकली एक्सेल में अवेलेबल है, एक्सेल में से निकालता हूं फिक्स एसेट का रजिस्टर, पूरा का पूरा अपलोड कर देता हूं सॉफ्टवेयर के अंदर, सॉफ्टवेयर पूरे फिक्स एसेट रजिस्टर को रीड कर लेगा,
5 मिनट के अंदर खटखट खटखट खटखट, जब तक मैं चाय वाय पी लू कुछ और काम कर लू, 5 मिनट के अंदर पूरा डेप्रिसिएशन आपको रिकैलकुलेट करके दे देगा। आप खुद चेक करने जाते तो आपको 1 घंटा लगता है, ये 5-10 मिनट के अंदर 100% एग्जामिनेशन। जहां पर भी रिपीटेटिव नेचर के कैलकुलेशन और प्रोसेसेस है और ऑटोमेटेड तरीका रह सकता है, ठीक है, ऑटोमेट तरीका हो सकता है चेक करने का, वहां पे 100% चेकिंग कैन बी कॉस्ट इफेक्टिव। तो बहुत आसान है भाई, बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। कुछ जगह पे हम 100% सिलेक्शन करते हैं, इंटायर पॉपुलेशन पूरा सब कुछ चेक कर सकते हैं। उसके 3 एग्जांपल, स्मॉल वैल्यू, स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज वैल्यू आइटम्स, ठीक है, सिग्निफिकेंट रिस्क आइटम्स, और रिपीटेटिव नेचर के, जहां पे रिपीटेटिव नेचर कैलकुलेशंस यहां पे, ठीक है, वहां पे जहां पे ऑटोमेशन पॉसिबल है वहां पे हम लोग 100% चेकिंग, बिकॉज इट इज कॉस्ट इफेक्टिव, ठीक है। आरएसएस 100% रिपीटेड नेचर कैलकुलेशंस जहां पर है, ऑटोमेशन पॉसिबल है, गो फॉर 100% चेकिंग, इट कैन बी कॉस्ट इफेक्टिव। जहां पे स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज वैल्यू आइटम्स है 100% चेकिंग, सिग्निफिकेंट रिस्क है 100% चेकिंग, ठीक है। नाउ देखो ऐसे ही लिखा भाई, अपन कोई बीइंग अ प्रोफेसर इट इज नॉट गुड फॉर मी टू गो फॉर एनी पर्टिकुलर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, ठीक है। फिर अब सिलेक्टिंग स्पेसिफिक आइटम्स, सिलेक्टिंग स्पेसिफिक आइटम्स, ठीक है, सिलेक्टिंग स्पेसिफिक आइटम्स। सर ये क्या होता है सिलेक्टिंग स्पेसिफिक आइटम्स? थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ठीक है। सिलेक्टिंग स्पेसिफिक आइटम्स, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो बात बन जाएगी। आप थोड़ा स्टडी करिए, स्टडी करके थोड़ा एग्जामिनेशन एनालाइज करिए उस एरिया को, पर्टिकुलर एरिया को, और कोई क्राइटेरिया डिसाइड करिए, कोई क्राइटेरिया डिसाइड करिए, और वो क्राइटेरिया के बेसिस में आप क्राइटेरिया को फुलफिल करने वाले कुछ स्पेसिफिक आइटम को सिलेक्ट करिए, ठीक है, ठीक है। एग्जांपल, हाई वैल्यू और की आइटम्स, आप देखिए कि सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर्स क्या है, हाई वैल्यू और की आइटम्स। जैसे बहुत सारे इंडस्ट्री में ऐसा होता है, जैसे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में ऐसा बोलते हैं, जो टॉप फाइव कस्टमर्स है दे में कंट्रीब्यूट 60% ऑफ द रेवेन्यू, सिर्फ 5 कस्टमर्स 60% ऑफ द रेवेन्यू, सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो वो आपके की कंट्रीब्यूटर्स है, वो आपके हाई कंट्रीब्यूटर्स है। तो आप ऐसा बना लो ना, आप एक क्राइटेरिया सेट करो, top 10 suppliers, top 10 customers, ठीक है, top 10 employees जिनकी सैलरी ज्यादा है। आप ऐसा, आप अलग अलग एरिया में जाकर अगर आपको लगता है कि ऐसे टॉप कंट्रीब्यूटर्स है, बहुत बड़े कंट्रीब्यूटर्स है, ठीक है, आप उसके हिसाब से सिलेक्शन कर सकते हो। या फिर कोई, जैसे आपको बहुत रिस्की आइटम्स है, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत रिस्की आइटम्स है, जैसे अगर मैं बात करूं जितने भी ट्रांजैक्शंस की एंट्री हुई है,
जितने भी ट्रांजैक्शंस की एंट्री हुई है ऑफिस आवर्स के बाद, ऑफिस आवर्स के बाद, ऑफिस आवर्स खत्म होने के बाद एंट्री कैसे हो सकती है, अनयूजुअल है ठीक है। ऑफिस आवर्स के बाद रात को 9 बजे के बाद जितनी भी एंट्रीज हुई है, जनरली 9 बजे तक लास्ट एंट्री हुई है, उनको सिलेक्ट करिए। ये की आइटम्स है, थोड़े रिस्क इनकी ज्यादा है, तो ऐसे आइटम को आप सिलेक्ट करिए, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक सिलेक्शन। सिलेक्शन करने का और एक तरीका है स्पेसिफिक सिलेक्शन, उसमें पहला है हाई वैल्यू आइटम्स, जो टॉप कंट्रीब्यूटर्स है एरिया को, उसको सिलेक्ट करिए, या फिर जिसमें सस्पिशियस, अनयूजुअलनेस, रिस्क प्रोन एरियाज है, हिस्ट्री ऑफ एरर है, एक क्राइटेरिया सेट करिए, रात को 9 बजे के बाद के सारे ट्रांजैक्शन, करेक्ट। ऐसा आप क्राइटेरिया सेट करके भी सिलेक्शन कर सकते हैं, उसको स्पेसिफिक सिलेक्शन, थोड़ा दिमाग लगाया फिर उसके बाद, या फिर एक सिंपल ऑल आइटम्स हो सर्टन अमाउंट, जितने भी सेल है 1 लाख, जितने भी सेल्स ट्रांजेक्शन है 1 लाख के ऊपर के सब सिलेक्ट कर लो, जितने भी पेमेंट्स है 5 लाख के ऊपर के सारे सिलेक्ट कर लो ठीक है। या फिर आइटम्स टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन, मतलब द ऑडिटर में एग्जामिन आइटम्स टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट द मैटर, such as nature of the entity or nature of transactions। मतलब सर सुनिए, फॉर एग्जाम्पल कंपनी की एक सब्सिडरी है, मालदीव्स में सब्सिडरी है, और वो सब्सिडरी की हमको और इंफॉर्मेशन चाहिए, वी वांट मोर एंड मोर इंफॉर्मेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर एंटिटी, तो उस एंटिटी से जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे, परचेज के, सेल के, ट्रांसफर के, रिसीट के, पेमेंट के, रिसीवेबल के, पेएबल के, जो भी ट्रांजैक्शन होंगे सब सिलेक्ट कर डालो, सारे के सारे आप सिलेक्ट कर डालो ठीक है। आप सारे के सारे सिलेक्ट कर डालो क्योंकि आपको जो मालदीव्स की सब्सिडरी है आपको उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए, यू हैव टू कलेक्ट दैट इंफॉर्मेशन। जितने ट्रांजैक्शन आप सिलेक्ट करोगे उतना ज्यादा इंफॉर्मेशन, जितनी ट्रांजेक्शन मिलेगी मालदीव्स की सब्सिडरी की। सपोज आपको स्क्रैप सेल की जानकारी चाहिए, तो जितने स्क्रैप सेल है सारे के सारे, आप नया अचानक आखिरी मार्च के महीने में नया स्क्रैप सेल आया, सारे सिलेक्ट करो, क्या स्क्रैप सेल है यार ये। तो जब आप कोई क्राइटेरिया बेस्ड सिलेक्शन करते हो उसको बोलते हैं स्पेसिफिक सिलेक्शन, उसमें की कॉन्ट्रीब्यूटर्स, हाई वैल्यू आइटम्स या की कॉन्ट्रीब्यूटर्स का आप सिलेक्शन कर सकते हो, की आइटम्स का आप एक पर्टिकुलर लिमिट के ऊपर के सारे सिलेक्ट कर सकते हो ठीक है, या फिर आइटम्स टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन हो सकता है। आखिरी आपका तरीका है ऑडिट सैंपलिंग का ठीक है। आप ऑडिट सैंपलिंग, और इसको हम ऐसे 530 में समझने वाले हैं, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो कैसे करते हैं। तो अगर आप कुछ फाइनेंशियल आइटम को सिलेक्ट करना चाहते हो ठीक है, फाइनेंशियल आइटम को आप सिलेक्ट करना चाहते हो, चेक करना चाहते हो और एविडेंस बनाना चाहते हो, तो सिलेक्शन के 3 तरीके हैं, 100% सिलेक्शन, स्पेसिफिक सिलेक्शन, ऑडिट सैंपलिंग ठीक है। आपका 100% सिलेक्शन एक एंड है, ऑडिट सैंपलिंग दूसरा एंड है, और बीच में स्पेसिफिक सिलेक्शन। 100% सिलेक्शन के आपके 3 एग्जांपल हैं, आरएसएस है आपका ठीक है, रिपीटिव नेचर की चीजें हैं, ऑटोमेटेड चेकिंग कर डालो, कॉस्ट इफेक्टिव पड़ेगा, स्मॉल लार्ज वैल्यू आइटम है सारे चेक कर डालो, सिग्निफिकेंट रिस्क वाले आइटम है सारे चेक कर डालो ठीक है। फिर सिग्निफिकेंट रिस्क आप सारे चेक कर डालो, फिर आपके जो की कॉन्ट्रीब्यूटर्स है ठीक है,
स्पेसिफिक सिलेक्शन में आपके हाई वैल्यू आइटम्स की आइटम्स चेक कर डालो, सर्टन लिमिट के ऊपर के चेक कर डालो। जानकारी हासिल करनी है किसी एंटिटी की या कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन की तो उसका ज्यादा सिलेक्शन कर डालो और ऑडिट सैंपलिंग। ठीक है, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस गाइस, लास्ट थिंग फॉर द एसे, फिर हमारा बहुत ही प्यारा, बहुत ही शानदार, बहुत ही प्यारा, बहुत शानदार हमारा पहला ऐसे खत्म हो जाएगा। ठीक है, आई होप यू आर लविंग इट, यू आर एंजॉइंग इट, यू आर एब्जॉर्बिंग इट। मैं जानता हूं बहुत सारी थ्योरी होती है, लेकिन चिंता ना करें, ऑडियोस को आप लगातार सुनते जाइए, जितना आप लगातार सुनते जाएंगे उतना बढ़िया। आइए आइए, अब ऑडिट ट्रेल क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय ऑडिट ट्रेल। ठीक है, अगर मैं बहुत ही सिंपल डेफिनेशन की बात करूं, बहुत ही सिंपल, ऑडिट ट्रेल इज कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स, इट इज ऑडिट ट्रेल इज स्टेप बाय स्टेप रिकॉर्ड, कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड, जिसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन ट्रेस ट्रांजैक्शन, उसका सोर्स, उसका अप्रूवल, उसका प्रोसेसिंग, उसकी प्राइमरी बुक्स, उसकी सेकेंडरी बुक्स, ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जब उसको मैं ट्रेस कर सकता हूं। इट इज कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स, बुक्स, विद द हेल्प ऑफ विच आई कैन ट्रेस द ट्रांजैक्शन फ्रॉम द सोर्स, इंसेप्शन, इट्स अप्रूवल, टिल द लास्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसको हम बोलते हैं ऑडिट ट्रेल। जो मैंने अभी परचेस का बताया था, पीआरएन का दिखना, पीआरएन से आगे कोटेशंस दिखना, फिर आपको परचेस ऑर्डर दिखना, फिर जीआरएन दिखना, इंस्पेक्शन रिपोर्ट दिखना, स्टॉक रजिस्टर में एंट्री दिखना, परचेस इनवॉइस दिखना, आपकी परचेस बुक में एंट्री दिखना, क्रेडिटर्स लेजर में एंट्री दिखना, बैंक स्टेटमेंट में पेमेंट दिखना, शुरुआत से लेकर आखिरी तक कैसे एक एक चीज हुई, 10 चीजें आपको दिख रही, आपको समझ में आ गया किसने ट्रांजैक्शन का इंसेप्शन किया था, किसने इसको अप्रूव किया था, किसने इसको प्रोसेस किया था, किसने इसको रिकॉर्ड किया था, कहां रिकॉर्ड किया था, प्राइमरी बुक्स में कैसे गया, सेकेंडरी बुक्स में कैसे गया, ट्रायल बैलेंस में कैसे गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहां गया, आपको सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा है, इंसेप्शन से लेकर आखिर तक आपको नजर आ रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑडिट ट्रेल। कोई भी ऐसी चीज जिसकी मदद से हम समझ सके शुरुआत से लेके एंड कैसे हुआ था, उसको ट्रेल बोलते हैं। जैसे जंगल वंगल घूमने जाओ, ट्रैकिंग वैकिंग पे जाओ, तो लोग निशान लगाते जाते हैं ताकि जब वापस लौटे तो कंफ्यूजन ना हो, ताकि हमको वो निशानों से समझ में आए कि हम कैसे आए थे और हमको वापस कैसे जाना है। तो वो हमारे लिए क्या हो गया, ऑडिट ट्रेल, वो हमारे लिए ऑडिट ट्रेल हो गया। ठीक है, आइए नाउ ऑडिट ट्रेल। अब आपको अगर इस पे शॉर्ट नोट लिखना है तो आपको पहले पहले मीनिंग बताना पड़ेगा, ऑडिट ट्रेल क्या होता है, आपको इसके बेनिफिट्स बताने पड़ेंगे, इसमें कॉस्ट इन्वॉल्व होता है, ऑडिटर पे क्या इंपैक्ट होता है, चार बातें बतानी पड़ेगी। मीनिंग मैंने आपको सिंपल, स्टेप बाय स्टेप रिकॉर्ड, कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स, विद द हेल्प ऑफ विच, शुरुआत से लेकर आखिरी तक कैसे गया अकाउंटिंग, कैसे हुआ आखिरी, ये सब कुछ समझे, वो आपका ऑडिट ट्रेल है। इसके बेनिफिट्स क्या है, ठीक है, ऑडिट ट्रेल की मदद से मैं किसी भी ट्रांजैक्शन को चेक कर सकता हूं, क्या ये ट्रांजैक्शन ऑथेंटिक है, ओरिजिनल है, क्या इसकी क्वांटिटी, इसका रेट सब कुछ सही है, मैं किसी को भी चेक कर सकता हूं। विद द हेल्प ऑफ ऑडिट ट्रेल वी कैन चेक ऑथेंटिसिटी, इंटीग्रिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन, ट्रांजैक्शन सही है क्या, वो चेक कर सकता हूं, सही बात है। ऑडिट ट्रेल होता है, अगर ऑडिट ट्रेल अवेलेबल है तो इट रिड्यूसेस फ्रॉड्स एंड एरर्स।
अगर ऑडिट ट्रेल अवेलेबल है, डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है, तो गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं, एरर होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, लोगों को पता है अपन पकड़े जाएंगे भाई, अगर मैंने कोई क्वांटिटी चुरा ली तो मैं पकड़ा जाऊंगा, क्योंकि लोग चेक करेंगे कितनी क्वांटिटी भेजी थी और कितनी क्वांटिटी हमने गोडाउन में रखी है, पकड़ा जाऊंगा। रिड्यूसेस फ्रॉड्स एंड एरर्स, एनहांसेस इंटरनल कंट्रोल। जितना ऑडिट ट्रेल आप मेंटेन करोगे, रिकॉर्ड्स रखोगे, पीपल विल वर्क विथ मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, लोग ज्यादा जिम्मेदारी से काम करेंगे, पता है, समझ में आएगा किसने गलती की है। ठीक है, इसलिए इंटरनल कंट्रोल्स और स्ट्रांग हो जाते हैं। तो तीन फायदे हैं, ठीक है, तीन फायदे, ट्रांजैक्शन ऑथेंटिक है, इंटीग्रिटी है, रियल है, ये समझ में आ जाता है, फ्रॉड एरर को रिड्यूस करता है, और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को स्ट्रांग करता है। जब डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, लोग रिकॉर्ड रखते हैं हर चीज का, लोग जिम्मेदारी से काम करते हैं, पता है मेरा नाम आ रहा है, ठीक है, एनहांसेस इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। तो तीन ही है, तीन में अब क्या ही शॉर्टकट रखेंगे हम लोग। ठीक है, ऑथेंटिसिटी रिड्यूसेस, ठीक है, एरा चाहती अगर हो तो, एरा ऑडिट ट्रेल का एरा चल रहा है, एनहांसेस इंटरनल कंट्रोल्स, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, हर डॉक्यूमेंट में लिखा है किसने क्या काम किया है, लोग जिम्मेदारी से काम करते हैं, एनहांसेस इंटरनल कंट्रोल्स, रिड्यूसेस फ्रॉड्स एंड एरर्स, एरर्स नहीं होते हैं क्योंकि डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल, चीजों को चेक करने के लिए, रेक्टिफाई करने के लिए, फ्रॉड नहीं होते, लोगों को पता है पकड़े जाएंगे, ऑथेंटिकेशन चेक कर सकते हैं, बट इट कम्स विथ कॉस्ट। जितने ज्यादा डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करोगे, रिकॉर्ड्स मेंटेन करोगे, रजिस्टर मेंटेन करोगे, इट कम्स विथ कॉस्ट, आपको उतने ज्यादा लोग लगेंगे, उतना मैन पावर लगेगा, आपका खर्चा बढ़ेगा। ठीक है, कॉन्फिडेंस इन ऑडिटर्स, सिस्टम्स विथ फीचर ऑफ ऑडिटर इंस्पायर कॉन्फिडेंस, ऑडिटर को चेक करना बहुत आसान होता है, ही बिकम सुपर कॉन्फिडेंट, यार इस सुपर कॉन्फिडेंट, इट ऑल इन वेरीफाई वेदर कंट्रोल्स डिवाइस बाय मैनेजमेंट ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, ही इज बिकम वेरी हैप्पी, उस बहुत कॉन्फिडेंट, उसको हर चेक चीज चेक करना बहुत आसान रहता है। तो आप ये चार बातें बताइए, मीनिंग बताइए, मीनिंग बताइए, बेनिफिट्स बताइए, एक्सप्लेन मीनिंग क्या होता है ऑडिट ट्रेल, एक्सप्लेन बेनिफिट्स क्या फायदे हैं, कॉस्ट और ऑडिटर पे इंपैक्ट बताइए, चार चीजें बताइए, बात हो गएगी, डन डन डना डन डन हो जाएगा। सो गाइज, वी आर थ्रू विथ लवली थिंग एंड आई होप यू आर लविंग इट, यू आर एंजॉइंग इट, यू आर हैप्पी विथ इट, यू आर मेकिंग फुल यूज ऑफ इट गाइज, ओके, पूरा आप इसका यूज कर रहे हो। एंड देन नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट स्टैंडर्ड, अगले स्टैंडर्ड की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। आइए, लवली गाइस, आई एम इन लव विथ यू, आई एम वेरी हैप्पी विथ यू, आप लोग बहुत ही होनहार, बुद्धिमान और शक्तिमान हैं। ठीक है, आइए ना, ऐसे 501 501, ये भी ऑडिट एविडेंस है, स्पेसिफिक कंसिडरेशन फॉर सिलेक्टेड आइटम्स, स्पेसिफिक कंसिडरेशंस फॉर सिलेक्टेड आइटम्स। सर ये क्या है, स्पेसिफिक कंसिडरेशन फॉर सिलेक्टेड आइटम्स, कुछ स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स और प्रोसीजर्स दिए हुए हैं, कुछ
कुछ सिलेक्टेड आइटम्स के लिए। इन्होंने रिसर्च कर करके पता लगाया वो कौन से फाइनेंशियल आइटम्स है जिसमें बहुत गड़बड़ियां होती है, बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं, और बराबर उनके लिए स्पेसिफिक कंसिडरेशंस। ये जो कंसिडरेशंस है इसका मतलब यहां पे है कंसिडरेशंस मतलब कुछ स्पेसिफिक बातें, प्रिंसिपल्स और प्रोसीजर्स बताइए। स्पेसिफिक कंसिडरेशन फॉर सिलेक्टेड आइटम्स मतलब ये कुछ स्पेसिफिक प्रोसीजर्स एंड प्रिंसिपल्स बताए हैं फॉर सिलेक्टेड एरियाज। कितने हैं ये एरियाज? 3। ये ऐसे टारगेट सेट करता है। ये ऐसे टारगेट सेट करता है कि ऑडिटर को सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस निकालना है 3 एरिया में। इस ऐसे का टारगेट है 3 एरिया का। उसको सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ढूंढ के निकालना है अबाउट इन्वेंट्री में कि इन्वेंट्री एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री। ये आपको ये सैंड बताने वाला है कैसे चेक करना एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री, कि इन्वेंट्री है कि नहीं और सही कंडीशन में है ना। ये आपको बताता है कैसे चेक करना कंपनी ने सारे लिटिगेशंस और क्लेम्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड किया कि नहीं, कंप्लीटनेस ऑफ लिटिगेशंस एंड क्लेम्स। ये ऐसे आपको बताता है कैसे चेक करना सेगमेंट इंफॉर्मेशन को। क्या होता है सेगमेंट इंफॉर्मेशन हम देखेंगे, प्रेजेंटेशन डिस्क्लोज सेगमेंट इंफॉर्मेशन। तो ये पर्टिकुलर स्टैंडर्ड आपको 3 एरिया में फोकस करने के लिए, 3 एरिया में कैसे एविडेंस ऑब्टेन करना उसके बारे में बता रहा है। तो पहला क्वेश्चन है हाउ टू चेक एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री। एक ऑडिटर कैसे चेक करेगा एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री? ठीक है, बहुत ही सिंपल है। उनका कहना है देखो बहुत सिंपल, बहुत आसान है, 2-स्टेप प्रोसेस है। ठीक है, किसी भी क्लाइंट में अगर इन्वेंट्री मटेरियल हो तो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस चाहिए फॉर एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री। हर जगह नहीं होता, जैसे टेलीकॉम कंपनी में इन्वेंट्री में क्या होता है? सिम कार्ड्स। वहां पे इन्वेंट्री कोई मटेरियल नहीं है तो आपको ये लगाने की जरूरत नहीं। जो कंपनियों में इन्वेंट्री एक मटेरियल चीज होती है, बड़ी चीज होती है, वहां पर हम लोगों ने ऐसे 501 के हिसाब से एग्जिस्टेंस और कंडीशन को चेक करना चाहिए। और 2 स्टेप का प्रोसेस है। क्या है ये? स्टेप नंबर 1, ऑडिटर शुड गो एंड अटेंड फिजिकल वेरिफिकेशन। ध्यान रखिए, फिजिकल वेरिफिकेशन कंडक्ट करना मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। धंधा मैनेजमेंट चला रहा है, अकाउंटिंग मैनेजमेंट कर रहा है, क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री मैनेजमेंट को करनी है। तो फिजिकल वेरिफिकेशन कंडक्ट कौन करेगा? मैनेजमेंट ही करेगा। फिजिकल वेरिफिकेशन विल बी कंडक्टेड बाय होम? इट विल बी कंडक्टेड बाय मैनेजमेंट ओनली। मैनेजमेंट ही इसको करने वाला है। ठीक है, मैनेजमेंट विल बी डूइंग इट। हमारा काम है अटेंड करना। ध्यान रखना, स्टेप नंबर 1, अगर आप देखना चाहते हो कि इन्वेंट्री सही में है ना, यू शुड अटेंड, गो एंड अटेंड फिजिकल वेरिफिकेशन विच इज कंडक्टेड बाय द मैनेजमेंट। आप जाकर उसको अटेंड करो। अब जब आप फिजिकल वेरिफिकेशन को अटेंड करते हो तो आपको 4 बातें करनी पड़ती है, 4। नंबर 1, तो इमेजिन करो आप एक बड़े से फैक्ट्री गेट में, बड़ा सा गेट है, फैक्ट्री गेट से एंटर कर रहे हो, 100 मीटर वॉक करने के बाद एक लेफ्ट लेते हो और लेफ्ट में एक बहुत बड़ा दरवाजा है, गोडाउन का दरवाजा है, और वहां पे कुछ लोग येलो कलर का हेलमेट और
फ्लोरोसेंट कलर का जैकेट। और फ्लोरोसेंट कलर का जो जैकेट है, वो फ्लोरोसेंट कलर का जो जैकेट है वो पहनकर खड़े हैं, ठीक है। तो उनके पास जाइए, पहले उनको पूछिए, व्हाट आर मैनेजमेंट्स इंस्ट्रक्शन टू कंडक्ट फिजिकल वेरिफिकेशन। मैनेजमेंट की क्या तैयारी है, मैनेजमेंट की क्या तैयारी है, क्या इंस्ट्रक्शंस है फॉर कंडक्टिंग फिजिकल वेरिफिकेशन। उनकी क्या तैयारी है वो बताइए, ठीक है। तो वो आपको बताएंगे, सर हमारी कंपनी के 5 लोकेशन है, 5 लोकेशन का साइमल्टेनियस काउंटिंग रख रहे हैं। बहुत बढ़िया। और पूरा इन्वेंट्री का मूवमेंट रोक दिया है, रात को 12 बजे से एक भी ट्रक अंदर नहीं आया, फैक्ट्री के एक भी ट्रक बाहर नहीं गया, सब कुछ बंद कर दिया, 12 बजे से बंद है, नो इन्वेंट्री मूवमेंट। बहुत बढ़िया। काउंटिंग के लिए सर एक हमारे ये सर है जो हेड ऑफिस से आए हैं, एक यहां के गोडाउन मैनेजर है, एक हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट है जो इक्विपमेंट्स है, जिनके पास में इक्विपमेंट्स है, गैसेस लिक्विड काउंट करने के लिए इक्विपमेंट है, इक्विपमेंट बराबर कैलिब्रेट किए, कैलिब्रेट किए मतलब बराबर उसको जीरो पे सेट किया हुआ है। वेरी गुड, ठीक है। और एक इंडिपेंडेंट पर्सन है, एक इंडिपेंडेंट पर्सन है जो कि कंपनी से कनेक्शन ही नहीं है, उनको बुलाया है, ठीक है। वो ऑब्जर्व करते रहेंगे बराबर है कि नहीं। वाह, आपको सबसे पहले ऑप्टेन एंड इवैल्यूएट मैनेजमेंट्स इंस्ट्रक्शन, इवैल्यूएट के लिए स्टडी करिए, आर दे अप्रोप्रिएट एंड रिलायबल, क्या वो अप्रोप्रिएट है और रिलायबल है। हमारा तो दिल खुश हो गया, शुरू करिए, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, हम ऑब्जर्व करेंगे हाउ मैनेजमेंट इज इंप्लीमेंटिंग काउंटिंग प्रोसीजर्स। पहले हम उनके मैनेजमेंट के क्या इंस्ट्रक्शंस थे फॉर काउंटिंग, उसको स्टडी किया, रियलाइज किया कि वो अप्रोप्रिएट है क्या, वो रिलायबल है क्या, वो देखा। फिर हमने अच्छे लगे तो हम बोला अब ऑब्जर्व करना, अब हम ऑब्जर्व करेंगे, अब काउंटिंग, मैनेजमेंट को बोला तुम काउंटिंग शुरू करो, काउंटिंग हम विल ऑब्जर्व मैनेजमेंट काउंटिंग प्रोसीजर्स। फिर हम बीच में टेस्ट काउंट करेंगे, टेस्ट काउंट मतलब हम लोग सैंपलिंग करेंगे, हम लोग टेस्ट काउंट करेंगे मतलब हम लोग सैंपलिंग करेंगे बीच में। और इन सब के दौरान विल इंस्पेक्ट द कंडीशन ऑफ द इन्वेंट्री, डिफेक्टिव तो नहीं है, डैमेज तो नहीं है, ऑब्सोलीट तो नहीं है, हम लोग ये देखेंगे। आई होप आपके दिमाग में एब्सोल्यूट क्लैरिटी आ रही है, ठीक है। हम लोग मैनेजमेंट के इंस्ट्रक्शंस को इवैल्यूएट करते बराबर है, फिर उनको ऑब्जर्व करते स्टेप बाय स्टेप है, पहले उनके इंस्ट्रक्शंस, फिर उनको ऑब्जर्व किया, फिर बीच में टेस्ट काउंट किया, और फिर इन सब के दौरान इंस्पेक्ट किया कंडीशन ऑफ द इन्वेंट्री। स्टेप नंबर टू, ये सब होने के बाद में भाई फाइनल चीज तो रह गई, स्टेप नंबर टू में हम लोग क्या करेंगे, विल परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर्स, मतलब ही वी विल कंपेयर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड इन्वेंट्री, एक्चुअल इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स, जो हमारे एंटिटी के फाइनल इन्वेंटरी रिकॉर्ड्स है, फाइनल फाइनल इन्वेंटरी एज पर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, और जो एक्चुअल काउंटिंग रिजल्ट्स है उसको कंपेयर करेंगे कि जो इन्वेंटरी आपको अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में नजर आ रही है, जो इन्वेंटरी आपको अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में नजर आ रही है, और जो एक्चुअल इन्वेंटरी है, और जो एक्चुअल इन्वेंटरी है, क्या ये आपस में मैच हो रहे हैं,
आर दे मैचिंग विथ ईच अदर, ये हम लोग जाकर चेक करेंगे। मैच हो तो बहुत बढ़िया, अगर डिफरेंस है तो कितना डिफरेंस है, क्यों डिफरेंस है, मैनेजमेंट को बोलेंगे रेक्टिफाई कराइए। तो देखिए, अगर किसी को भी एग्जिस्टेंस और कंडीशन ऑफ इन्वेंटरी चेक करना है तो आप बोलेंगे ऐसे 501 लगेगा। वो बोलता है जिस ऑर्गेनाइजेशन में भी मटेरियल इन्वेंटरी है उसका एग्जिस्टेंस और कंडीशन चेक करने के लिए दो स्टेप्स है। स्टेप नंबर वन है अटेंडिंग फिजिकल वेरिफिकेशन, उसमें चार बातें करनी पड़ेगी। सबसे पहले मैनेजमेंट के इंस्ट्रक्शन वाला पॉइंट, फिर जाके ऑब्जर्व करो काउंटिंग कैसे कर रहे, फिर उसके बाद में टेस्ट काउंट आप करिए, और आखिरी में इंस्पेक्ट करिए कंडीशन। स्टेप नंबर टू, ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म करना पड़ेगा रिकॉर्ड्स पे, फाइनल इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स एज पर अकाउंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एक्चुअल इन्वेंट्री एज पर काउंटिंग रिजल्ट्स, उसको कंपेयर करिए कितना डिफरेंस है, समझ में आएगा ठीक है, उसके रेक्टिफिकेशन करवाइए। सिंपल, आई होप इट इज क्रिस्टल क्लियर। आप लोगों को 501 के अंदर इन्वेंटरी कैसे चेक करना वो देखा हम लोग। नाउ अब इन्वेंटरी में तीन स्पेशल केस आते हैं, स्पेशल केस वन, स्पेशल केस टू, स्पेशल केस थ्री। पहला स्पेशल केस आता है, क्या इन्वेंटरी जो काउंटिंग, वेदर इन्वेंटरी काउंटिंग बाय मैनेजमेंट, वेदर इन्वेंटरी काउंटिंग कैन हैपन ऑन अ डेट अदर देन ईयर एंड, क्या 31 मार्च के अलावा कोई दूसरे डेट पे हो सकता है क्या। दूसरा केस है, अगर इन्वेंटरी काउंटिंग को अटेंड करना, अगर इन्वेंटरी काउंटिंग को अटेंड करना प्रैक्टिकल नहीं है तो हम क्या करेंगे। अगर इन्वेंटरी काउंटिंग को अटेंड करना प्रैक्टिकल नहीं है तो हम क्या करेंगे। तीसरा, इन्वेंटरी अगर थर्ड पार्टी के पास है, इन्वेंटरी अगर थर्ड पार्टी के पास है तो हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, तो हम कह रहे हैं थ्री स्पेशल केसेस, लेट्स सी गाइस। ठीक है, क्या बोला इन्होंने, पहला केस कि इन्वेंटरी का काउंटिंग कैन हैपन ऑन अ डेट अदर देन ईयर एंड, बिल्कुल हो सकता है। बहुत बार 31 मार्च को क्लाइंट बहुत बिजी होता है, या फिर ऐसा हो सकता है ऑडिटर बहुत बिजी हो, बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, बहुत सारे लोकेशन से, कहां कहां जाऊं, किससे प्यार करूं, कैसे प्यार करूं, तू भी है, इतने सारे लोग हैं, क्या करूं। तो मैनेजमेंट की तरफ से प्रॉब्लम हो सकता है, हमारे तरफ से भी बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, तो बिल्कुल दूसरा डेट पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल 15th of April चुन लो, 31st मार्च पॉसिबल नहीं ना, कोई बात नहीं, 15th of April चुन लो, आप दूसरा डेट भी सिलेक्ट कर सकते हो। क्या करना पड़ेगा, तो आप बोल लेंगे यस इट इज वेरी मच पॉसिबल दैट काउंटिंग डेट कैन बी डिफरेंट देन द बैलेंस शीट डेट, ईयर एंड डेट। नाउ इफ इट इज अ डिफरेंट डेट क्या करना होगा, परफॉर्म, गो एंड अटेंड फिजिकल वेरिफिकेशन and perform all the steps as discussed above. अब जाकर attend करिए physical verification. Go and attend physical verification and perform the steps जो अभी हम discuss करके आए, वही आपको करना है, वही same चीज आपको करनी है। ठीक है, plus आप 15 अप्रैल को भी एग्जैक्टली वही चीज करोगे जब डिस्कस करके आए अभी, जो 31 मार्च को आप दो स्टेप्स लगाने वाले थे, स्टेप वन एंड टू, वही लगाएंगे। प्लस आपको और एक चीज करनी पड़ेगी, ठीक है, एक रिकंसिलेशन बनेगा स्टॉक एज ऑन 15th of April में, आपको कुछ चीजें प्लस माइनस करनी पड़ेगी
और आपको मिलेगा स्टॉक एज ऑन 31st of March। 15 दिन के ट्रांजैक्शंस आपको रिवर्स करने पड़ेंगे। 15 दिन में जो भी सेल हुआ है वो आपको एडबैक करना पड़ेगा, 15 दिन का जो भी परचेस है वो आपको माइनस करना पड़ेगा, तब जाकर आपको इन्वेंट्री मिलेगी 31st मार्च की। तो बेसिकली एक रिकंसिलिएशन बनेगा और रिकंसिलिएशन के अंदर एडजस्टमेंट्स होंगे फॉर द चेंजेस बिटवीन द 31st मार्च एंड 15th अप्रैल। आपको ये जो एडजस्टमेंट्स है, ये चेंजेस है, आपको इसको चेक करना पड़ेगा ये चेंजेस बराबर है क्या। तो आपको ये एडिशनल काम करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, ज्यादा काम करना पड़ेगा, आपको एडिशनल प्रोसीजर को लगाना होगा। तो आप बोलेंगे दूसरा डेट पॉसिबल है, दूसरे डेट पे भी हमको वही प्रोसीजर हमको लगानी पड़ेगी जो नॉर्मली हम लोग फिजिकल वेरिफिकेशन में लगाते हैं, सेम प्रोसीजर लगानी पड़ेगी, प्लस आपको एडिशनल कुछ प्रोसीजर लगानी पड़ेगी जिसमें खास करके जो 15 दिन के अंदर इन्वेंट्री के चेंजेस है आपको वो चेंजेस को चेक करना पड़ेगा। आप उसमें समझाओगे, रिकंसिलेशन बनेगा बेसिकली, ठीक है, और वो रिकंसिलेशन में चेंजेस इनकॉर्पोरेट होंगे। चेंजेस को आप कैसे चेक करोगे, बहुत आसान है, ठीक है। तो देखो कंपनीज दो तरह की चीज कर सकती है। कुछ कंपनीज इन्वेंट्री के परपेचुअल रिकॉर्ड्स रखते हैं। सर ये परपेचुअल रिकॉर्ड्स क्या होता है, परपेचुअल मतलब कंटिन्यूअस। कुछ लोग इन्वेंट्री के परपेचुअल रिकॉर्ड्स रखते हैं, मतलब कंटिन्यूअस रिकॉर्ड्स रखते हैं। कंटिन्यूअस रिकॉर्ड मतलब क्या, ये लोग हर इन्वेंट्री का ओपनिंग स्टॉक, उसमें जब भी माल आया उसका इफेक्ट, जब भी माल गया उसका इफेक्ट, ट्रांसफर किया उसका इफेक्ट, कंटिन्यूअस जो चेंजेस होते जा रहे उसका इफेक्ट देते जा रहे। इससे क्या होता है, एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम मुझे बैलेंस पता होता है, आई नो कंटिन्यूअसली कि क्या बैलेंस है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, उसको बोलते परपेचुअल रिकॉर्ड्स। जहां पे इन्वेंट्री बहुत बड़ी होती है, कंपनीज बहुत सतर्क है अपने इन्वेंट्री के लिए, वो लोग इन्वेंट्री के कंटिन्यूअस रिकॉर्ड रखते हैं, परपेचुअल रिकॉर्ड रखते हैं, हर चेंज को रिकॉर्ड करते हैं, उनको पता होता है कंटिन्यूअसली क्या इन्वेंट्री चल रही। कुछ लोग ऐसा नहीं करते, कुछ लोग सीधा ईयर एंड पे जाते हैं, ठीक है, जब भी उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं क्वार्टर एंड या ईयर एंड पे जाते हैं, काउंटिंग करते हैं और सीधा जितनी इन्वेंट्री आती है क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री लगा देते हैं, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट, सीधा ऐसा कर देते हैं। उसको पीरियोडिक स्टॉक टेकिंग बोलते हैं, दैट्स कॉल्ड पीरियोडिक स्टॉक टेकिंग। स्टैंडर्ड का कहना है जो कंपनी परपेचुअल रिकॉर्ड्स रख रहे हैं, डिटेल हिसाब किताब रख रहे हैं मूवमेंट का, उन लोग केस में दूसरी डेट रखना पॉसिबल है, दूसरे डेट पे फिजिकल वेरिफिकेशन पॉसिबल है, चीजों को चेक करना पॉसिबल है, आसान, ठीक है। लेकिन जो लोग पीरियोडिक चेकिंग कर रहे हैं, जिनके कोई डिटेल रिकॉर्ड नहीं है, वहां पे इट इज वेरी डिफिकल्ट। नहीं हो सकता ऐसा नहीं बोल रहे हम लोग, लेकिन बहुत मुश्किल है। तो जो 15 दिन के सेल परचेस है ना, ये डेटा आपको परपेचुअल रिकॉर्ड से मिल जाएगा आपको, लेकिन पहले चेक करना पड़ेगा परपेचुअल रिकॉर्ड्स। आपको रैंडमली कुछ चीजें लेनी पड़ेगी कि परपेचुअल रिकॉर्ड्स में जो सेल परचेस ट्रांसफर जो दिख रहा है, इज इट रिलायबल और नॉट। अगर कहीं पे रिलायबल नहीं है, क्यों नहीं है, क्यों गलतियां है, क्या गलतियां है, छोटी मोटी गलतियां चलती है, ठीक है, अगर एरर्स रेक्टिफाई कर दिए पूरे तो भी चलते हैं, आपको रिलायबल है क्या चेक करना पड़ेगा। अगर डिफरेंस आ रहा है, चेंजेस है, क्यों डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है, वो समझना पड़ेगा। फिर रेक्टिफिकेशन के बाद में जो डेटा है, 15 दिन के सेल, 15 दिन के परचेस, 15 दिन के सेल्स रिटर्न, 15 दिन के परचेस रिटर्न, 15 दिन के ट्रांसफर्स, उसको एडजस्ट करना पड़ेगा रिकंसिलेशन में, करेक्ट। तो बहुत सिंपल है, स्पेशल केस नंबर वन, स्पेशल केस नंबर वन, ठीक है। स्पेशल केस नंबर वन बोलता है इट इज एब्सोल्यूटली फाइन,
स्पेशल केस नंबर वन बोल रहा है एब्सोल्युटली फाइन टू हैव डिफरेंट डेट, सेम ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म करनी पड़ेगी, आपको कुछ एडिशनल काम करना पड़ेगा। एडिशनल काम बहुत सिंपल है, 15 दिन के जो चेंजेस है वो चेक करने पड़ेंगे, 15 दिन का रिकंसिलेशन बनेगा, चेंजेस को परपेचुअल रिकॉर्ड से चेक करो, पहले चेक करो परपेचुअल रिकॉर्ड रिलायबल है ना, अगर कुछ डिफरेंस है तो क्यों डिफरेंस है, क्या रीजन है, रेक्टिफिकेशन के बाद में रिकंसिलेशन में बराबर एडजस्ट हुए ना, वो आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा आपका रिकंसिलेशन ठीक है, ये 15 अप्रैल का स्टॉक, उसके चेंजेस और 31 मार्च का, ऐसा आपका बनेगा। चलिए गाइस, आई होप यू आर क्रिस्टल क्लियर अबाउट इट, आपको स्पेशल केस नंबर वन आपको समझ में आ गया। ठीक है, नाउ इससे पहले कि हम स्पेशल केस नंबर टू देखें, वो कल देखेंगे, हमको टाइप्स ऑफ ओपिनियन समझ लेना है, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, आज के लिए आखिरी चीज है टाइप्स ऑफ ओपिनियन बहुत सिंपल है, हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले, एक ऐसे होता है ऐसे 705 वहां पे देखने वाले हम लोग। ठीक है, टाइप्स ऑफ ओपिनियन, आइए टाइप्स ऑफ ओपिनियन की बात करते हैं। ऑडिटर जो फाइनल ओपिनियन देता है वो मोटा मोटी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अनमॉडिफाइड ओपिनियन और एक होता है मॉडिफाइड ओपिनियन। अनमॉडिफाइड, जब ऑडिटर ऑडिट करने गया उसको सभी मटेरियल आइटम्स का सफिशियंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल गया, हर आइटम का सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस उसको मिल गया, एविडेंस मिलने के बाद उसने एग्जामिनेशन किया, इवैल्यूएशन किया, उसको कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट, कोई उसको बड़ी गलती नहीं मिल रही है, कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट बड़ी गलती नहीं मिल रही है। ठीक है, ऐसे केस में ठीक है, उसको कोई सारे सबूत मिल गए, कोई गलती नहीं मिली, वो अनमॉडिफाइड ओपिनियन देता है। इसी को हम लोग बोलते हैं अनक्वालिफाइड ओपिनियन, इसी को बोलते हैं क्लीन ओपिनियन। ठीक है, अनमॉडिफाइड मतलब हमको जो स्टैंडर्ड वर्डिंग्स है, वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, उसको बदलना नहीं पड़ता। अनक्वालिफाइड मतलब अनकंडीशनल, ठीक है, मतलब अनकंडीशनल ओपिनियन इंग्लिश में क्वालिफिकेशन वर्ड का मतलब होता है कंडीशन भी होता है। अनक्वालिफाइड मतलब बिना किसी शर्त के, बिना किसी चीज के हम दिल खोलकर बोलना चाहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। ठीक है, क्लीन ओपिनियन साफ साफ बोलने आते हैं, वेदर फाइनेंशियल, क्लीन ओपिनियन मतलब सब सही है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। लेकिन कभी कभी हमको हमारे स्टैंडर्ड वर्डिंग्स को बदलना पड़ता है, मॉडिफाई करना पड़ता है। ये ऐसे 705 में सेम चार्ट मिलता है, ठीक है, आप बिल्कुल इसको नोट कर सकते हैं, यू कैन नोट इट डाउन, पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं, बहुत सिंपल सा है, पहले समझ जाइए, हमेशा पहले समझने पे ध्यान दीजिए फिर आगे। मॉडिफाइड ओपिनियन की बात करते हैं, क्या होता है मॉडिफाइड, नाउ व्हाट इज मॉडिफाइड ओपिनियन, लेट्स अंडरस्टैंड गाइस। कभी कभी हमको सबूत नहीं मिलते, We don't get sufficient and appropriate audit evidence. हमको सबूत नहीं मिल रहे, मैनेजमेंट हमको सबूत नहीं दे रहा, या नेचुरल कैलमिटी एक्सीडेंट की वजह से सबूत हमको नहीं मिल रहे, इट कैन बी बिकॉज ऑफ इंटरनल फैक्टर्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स, और सबूत मिलने के बाद कभी कभी हमको बड़ी बड़ी गलतियां मिल रही है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिल रहा है। तो कभी कभी दो रीजन होते हैं, सबूत ना मिलना या फिर मटेरियल मिसस्टेटमेंट का मिलना, दो चीजों की वजह से हमको ओपिनियन मॉडिफाई करना पड़ता है। अगर आपको ऐसे इश्यूज, ऐसे मैटर्स, ऐसे प्रॉब्लम्स मिलते हैं तो आप देखिए उसका नेचर कैसा है, इज इट परवेसिव, परवेसिव का यहां पे मतलब है क्या ये फैला हुआ है, इज इट स्प्रेड,
Is it spread across financial statements? Is it spread across financial statements? ठीक है, अगर ये not pervasive है, अगर ये not pervasive है, मतलब it is not spread across financial statements. इक्का दुक्का जगह पे impact है, problem है, गलतियां है इक्का दुक्का जगह पे. हाँ बस inventory में problem है, बाकी सब सही है. Inventory overvalued है, बाकी सब सही है. हाँ depreciation में problem है, बाकी सब सही है. अगर pervasive नहीं है, not spread across financial statement, हम qualified opinion देते हैं. एक्सेप्ट इफेक्ट ऑफ सो एंड सो, सो एंड सो, सो एंड सो, बस ये दो तीन चीजों को छोड़ दो, बाकी सब सही है. मैं कंडीशनल ओपिनियन दे रहा हूं, इसलिए क्वालिफाइड ओपिनियन. क्वालिफिकेशन का और एक मतलब कंडीशन, क्वालिफाइड. एक्सेप्ट इफेक्ट ऑफ, बाकी सब सही है. सब्जेक्ट टू इन्वेंट्री ओवर वैल्युएशन, डेप्रिसिएशन अंडर चार्ज, बाकी सब सही है, बाकी सब सही है. रेस्ट एवरीथिंग इज फाइन. ठीक है, फिर अगर सबूत की कमी परवेसिव है, अगर सबूत की कमी, अगर सबूत की कमी परवेसिव है, स्प्रेड अक्रॉस फाइनेंशियल, मतलब बहुत सारे सबूत नहीं मिल रहे, इनकम टैक्स वाले रेड मार के चले गए, पूरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स गायब कर दिए, पूरे के पूरे पीसी उठाकर लेकर चले गए, बहुत सारी जानकारी नहीं है, मेजॉरिटी ऑफ आइटम्स के हमारे पास में सबूत नहीं है, रिकॉर्ड्स नहीं है, लेजर्स नहीं है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं है, हम हाथ खड़े कर देंगे. डिस्क्लेमर, वी आर नॉट एबल टू फॉर्म ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वी आर नॉट एबल टू फॉर्म ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट. फिर हम बात करते हैं, अगर गलतियां भर भर के, मेजॉरिटी चीजें गलत है, अरे भाई ये गलत वो गलत, मेजॉरिटी एसेट्स गलत है, मेजॉरिटी लाइबिलिटी गलत है, मेजॉरिटी इनकम एक्सपेंस गलत है, हम एडवर्स ओपिनियन दे देंगे उठाकर. फाइनेंशियल स्टेटमेंट डजंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू. फाइनेंशियल स्टेटमेंट डजंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू. साफ साफ ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं देते साहब ये. तो आप देखेंगे तो आपके दो तरह के ओपिनियन, अनमॉडिफाइड एंड मॉडिफाइड. मॉडिफाइड में तीन हो गए आपके. अगर प्रॉब्लम्स इक्का दुक्का जगह है तो क्वालिफाइड, सबूत की कमी हर जगह है डिस्क्लेमर, गलतियां हर जगह है, ऑलमोस्ट हर जगह है एडवर्स ओपिनियन. क्वालिफाइड ओपिनियन, एडवर्स ओपिनियन, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन. ठीक है गाइज, लेट्स स्टॉप हियर. आप लोगों को ऑडियो मिलेगा, जरूर सुनिए. बाय बाय एवरीवन, कल मिलते हैं. बाय बाय. टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करिए, वहां पे जो भी चेंजेस दिख रहे हैं वो बराबर करिए, वहां पे जो भी इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं